आज मैदान में उतरना क्या रहा, लेकिन दिखना एक। अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म रही है बिगिल। जानी फिल्म का टोटल कलेक्शन साथ ही जाने कहा देखे इसे फ्री में। थलपति विजय तमिल फिल्म उद्योग के सबसे बड़े सुपरस्टार में से एक है। उनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर राज करती है और एक के बाद एक बड़े पर्दे पर हिट होने के बाद प्रशंसक उनकी अगली फिल्म का बेसब्री से इंतजार करते हैं। 2019 में उन्हें बिगिल नामक फिल्म में देखा गया था, जिसमें लेडी सुपरस्टार नयनतारा भी मुख्य भूमिका में थी। ये विजय की अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म है। फिल्म ने दुनिया भर में बॉक्स ऑफिस पर 295.28 करोड़ रुपए कमाए। बिगिल का निर्देशन इटली ने किया था और यहाँ तक की 2017 की रिलीज मार्शल का निर्देशन भी फिल्म निर्माता ने किया था। फिल्म ने दुनिया भर में बॉक्स ऑफिस पर 260 करोड़ रुपए कमाए। विजय, कीर्ति सुरेश और बरलक्ष्मी शरद कुमार अभिनीत एआर मुरुगदस की सरकार बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर रही। फिल्म का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 252 करोड़ रुपए रहा। विजय स्टारर मास्टर महामारी के बीच बॉक्स ऑफिस पर धूम मचाने वाली पहली फिल्मों में से एक थी। लोकेश कनगराज निर्देशित इस फिल्म ने दुनिया भर में बॉक्स ऑफिस पर 223 करोड़ रुपए कमाए। विजय की हालिया रिलीज बीस्ट को नकारात्मक समीक्षा मिली, लेकिन इसने बॉक्स ऑफिस पर बम्पर ओपनिंग ली। हालांकि फिल्म की गति धीमी हो गई और अब तक इसने 10 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है। दुनिया भर में बॉक्स ऑफिस पर 145 करोड़ रुपए है। वही अगर बात करें फिल्म बीगल की ओटीटी रिलीज को लेकर, तो इस फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दिया गया है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है। क्या दर्शकों को पसंद आई थलपति विजय की फिल्म बिगिल? कहां देख सकते हैं इसे फ्री में? फिल्म बिगिल से दर्शकों को काफी उम्मीदें थी, क्योंकि इसमें साउथ के सुपरस्टार और नयनतारा की जोड़ी एक साथ नजर आई। वही फिल्म में विजय को डबल रोल देखने का भी सभी को बेसब्री से इंतजार रहा था, लेकिन जब इसकी स्क्रीनिंग हुई तो इसकी कहानी में फीकापन नजर आया। फिल्म समीक्षकों ने भी इसे मिला जुला रिस्पॉन्स मिला।
वहीं विजय के फैंस भी नाखुश नजर आए। अगर आप बिगल देखने का प्लान कर रहे हो तो इससे पहले जान लीजिए बिगल का रिव्यू। बिगल फिल्म के रिलीज के समय इसकी कहानी पर चोरी के आरोप भी लगाए गए थे। तेलुगु फिल्म मेकर नंदी चिन्नी कुमार ने मेकर्स के खिलाफ हैदराबाद कोर्ट में केस भी दर्ज करवाया था। इस पर फैसला आने में काफी टाइम लग गया था और अब तक ये फिल्म काफी सिनेमाघरों में हट भी चुकी थी। हालांकि इसी बीच इस फिल्म की डिजिटल राइट्स अमेज़न प्राइम ने खरीद लिए थे, लेकिन मद्रास हाई कोर्ट ने फिल्म की ऑनलाइन स्ट्रीमिंग पर रोक लगा दी थी। आखिरकार दिसंबर 2019 में हैदराबाद कोर्ट ने दोनों पार्टी के बीच सेटलमेंट करवाया। इस फिल्म में नयनतारा और विजय दूसरी बार एक साथ नजर आए थे। इससे पहले इन दोनों को साल 2009 में रिलीज हुई फिल्म बिल्लू में एक साथ देखा गया था। इसके अलावा बिगल विजय की करियर की चौथी ऐसी फिल्म थी जिसमें उन्होंने मल्टीपल रोल प्ले किया है। इससे पहले विजय साल 2007 में रिलीज हुई फिल्म अजागिया तमिल मगन में डबल रोल, साल 2014 में रिलीज हुई फिल्म कत्थी में भी डबल रोल और साल 2017 में रिलीज हुई फिल्म मार्शल में ट्रिपल रोल में नजर आ चुके हैं। जिन लोगों ने विजय की फिल्म बिगल और थैरी देखी है उन्होंने जरूर नोटिस किया होगा कि बिगल में कुछ सीन थैरी से कॉपी किया गया है। अब बात करें इस फिल्म के OTT रिलीज को लेकर तो इस फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इस फिल्म को फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं, वो भी फ्री में अगर आपके पास प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है। थलापति विजय की फिल्म बिगल देखने से पहले जाने यहाँ फिल्म की कहानी से लेकर फिल्म के रिव्यू तक, साथ ही जाने कहाँ देख सकते हैं इसे फ्री में। फिल्म की स्टोरी लाइन की बात करें तो फिल्म में जोसेफ विजय डबल रोल में नजर आए हैं। एक है माइकल जो बिगल के नाम से भी फेमस है और दूसरा किरदार है रायप्पन का जो माइकल के पिता है। माइकल एक फुटबॉल प्लेयर रह चुका है जो बाद में फीमेल टीम का कोच बन जाता है। इसके अलावा रायप्पन एक डॉन है लेकिन दिल का बहुत अच्छा है। फिल्म की कहानी काफी हद तक शाहरुख खान की फिल्म चक दे इंडिया से मिलती जुलती है, जिसमें शाहरुख खान को एक हॉकी प्लेयर दिखाया गया था जिसे टीम से निकाल दिया जाता है और फिर वो बाद में लड़कियों की टीम का कोच बनकर इंडिया को जीत दिलवाता है। कुछ ऐसा ही किरदार बिगल में माइकल का भी है, लेकिन अंतर बस इतना है कि वह हॉकी थी और यह फुटबॉल है। इस फिल्म की रिलीज के बाद साउथ इंडिया में लोगों के बीच काफी अच्छा सोशल इम्पैक्ट देखने को मिला था। साउथ के कई बड़ी फुटबॉल टीम के कोच की तरफ से ये बयान आए थे कि वो लड़कियों को भी फुटबॉल की ट्रेनिंग देना शुरू कर रहे हैं। इस फिल्म को क्रिटिक्स की तरफ से मिक्स रिव्यू मिले थे। इसके अलावा पॉपुलर वेबसाइट IMDb ने भी इस फिल्म को 10 में से 6.8 की रेटिंग दिए थे। बता दे फिल्म की बड़ी लेंथ को लेकर कुछ नेगेटिव रिव्यू भी दिए गए थे क्योंकि इस फिल्म को ड्यूरेशन है 2 घंटे और 59 मिनट, जिसके चलते फिल्म को ऑडियंस की तरफ से भी नेगेटिव रिव्यू का सामना करना पड़ा था। देखा जाए तो प्रेजेंट में 3 घंटे की फिल्म कोई भी नहीं देखना चाहेगा। ये भी फिल्म का एक ही वीक पॉइंट रहा है। इसके अलावा ज्यादा बजट होने की वजह से भी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर नहीं हो पाई, लेकिन अपना बजट निकालने में जरूर कामयाब रही। बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म को हिट घोषित किया गया था। फिल्म के बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के आंकड़े कुछ इस प्रकार है। बिगल मूवी बजट 180 करोड़ रुपए, बिगल मूवी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इंडिया 198 करोड़ रुपए, बिगल मूवी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन वर्ल्ड वाइड 300 करोड़ रुपए। अब बात करें इस फिल्म की OTT रिलीज को लेकर तो इस फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इस फिल्म को फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर जाकर देख सकते हैं, वो भी फ्री अगर आपके पास प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है। अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म रही है बिगल। जाने फिल्म का टोटल कलेक्शन, साथ ही जाने कहा देखे इसे फ्री में। थलापति विजय तमिल फिल्म उद्योग के सबसे बड़े सुपरस्टार में से एक है। उनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर राज करती है और एक के बाद एक बड़े पर्दे पर हिट होने के बाद प्रशंसक उनकी अगली फिल्म का बेसब्री से इंतजार करते हैं। 2019 में उन्हें बिगल नामक फिल्म में देखा गया था जिसमें लेडी सुपरस्टार नयनतारा भी मुख्य भूमिका में थी।
ये विजय की अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म है। फिल्म ने दुनिया भर में बॉक्स ऑफिस पर 295.28 करोड़ रुपए कमाए। बिगल का निर्देशन इटली ने किया था और यहाँ तक कि 2017 की रिलीज मार्शल का निर्देशन भी फिल्म निर्माता ने किया था। फिल्म ने दुनिया भर में बॉक्स ऑफिस पर 260 करोड़ रुपए कमाए। विजय कीर्ति सुरेश और बरलक्ष्मी शरद कुमार अभिनीत एआर मुरुगदस की सरकार बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर रही। फिल्म का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 252 करोड़ रुपए रहा। विजय स्टारर मास्टर महामारी के बीच बॉक्स ऑफिस पर धूम मचाने वाली पहली फिल्मों में से एक थी। लोकेश कनकराज निर्देशित इस फिल्म ने दुनिया भर में बॉक्स ऑफिस पर 223 करोड़ रुपए कमाए। विजय की हालिया रिलीज बीस्ट को नकारात्मक समीक्षा मिली, लेकिन इसने बॉक्स ऑफिस पर बम्पर ओपनिंग ली। हालांकि फिल्म की गति धीमी हो गई और अब तक इसने 10 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है। दुनिया भर में बॉक्स ऑफिस पर 145 करोड़ रुपए है। वही अगर बात करें फिल्म बीगल की ओटीटी रिलीज को लेकर, तो इस फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दिया गया है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है। क्या दर्शकों को पसंद आई थलपति विजय की फिल्म बिगिल? कहां देख सकते हैं इसे फ्री में? फिल्म बिगिल से दर्शकों को काफी उम्मीदें थी, क्योंकि इसमें साउथ के सुपरस्टार और नयनतारा की जोड़ी एक साथ नजर आई। वही फिल्म में विजय को डबल रोल देखने का भी सभी को बेसब्री से इंतजार रहा था। लेकिन जब इसकी स्क्रीनिंग हुई तो इसकी कहानी में फीकापन नजर आया। फिल्म समीक्षकों ने भी इसे मिला जुला रिस्पॉन्स मिला। वही विजय के फैंस भी नाखुश नजर आए। अगर आप बिगल देखने का प्लान कर रहे हो तो इससे पहले जान लीजिए बिगल का रिव्यू। बिगल फिल्म के रिलीज के समय इसकी कहानी पर चोरी के आरोप भी लगाए गए थे। तेलुगु फिल्म मेकर नंदी चिन्नी कुमार ने मेकर्स के खिलाफ हैदराबाद कोर्ट में केस भी दर्ज करवाया था। इस पर फैसला आने में काफी टाइम लग गया था और अब तक ये फिल्म काफी सिनेमाघरों में हट भी चुकी थी। हालांकि इसी बीच इस फिल्म की डिजिटल राइट्स अमेज़न प्राइम ने खरीद लिए थे, लेकिन मद्रास हाई कोर्ट ने फिल्म की ऑनलाइन स्ट्रीमिंग पर रोक लगा दी थी। आखिरकार दिसंबर 2019 में हैदराबाद कोर्ट ने दोनों पार्टी के बीच सेटलमेंट करवाया। इस फिल्म में नयनतारा और विजय दूसरी बार एक साथ नजर आए थे। इससे पहले इन दोनों को साल 2009 में रिलीज हुई फिल्म बिल्लू में एक साथ देखा गया था। इसके अलावा बिगल विजय की करियर की चौथी ऐसी फिल्म थी जिसमें उन्होंने मल्टीपल रोल प्ले किया है। इससे पहले विजय साल 2007 में रिलीज हुई फिल्म अजागिया तमिल मगन में डबल रोल, साल 2014 में रिलीज हुई फिल्म कत्थी में भी डबल रोल और साल 2017 में रिलीज हुई फिल्म मार्शल में ट्रिपल रोल में नजर आ चुके हैं। जिन लोगों ने विजय की फिल्म बिगल और थैरी देखी है, उन्होंने जरूर नोटिस किया होगा कि बिगल में कुछ सीन थैरी से कॉपी किया गया है। अब बात करें इस फिल्म के ओटीटी रिलीज को लेकर, तो इस फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इस फिल्म को फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं, वो भी फ्री में अगर आपके पास प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है। थलपति विजय की फिल्म बिगिल देखने से पहले जाने यहाँ फिल्म की कहानी से लेकर फिल्म के रिव्यू तक, साथ ही जाने कहाँ देख सकते हैं इसे फ्री में। फिल्म की स्टोरी लाइन की बात करें तो फिल्म में जोसेफ विजय डबल रोल में नजर आए हैं। एक है माइकल जो बिगिल के नाम से भी फेमस है और दूसरा किरदार है रायप्पन का जो माइकल के पिता है। माइकल एक फुटबॉल प्लेयर रह चुका है जो बाद में फीमेल टीम का कोच बन जाता है। इसके अलावा रायप्पन एक डॉन है लेकिन दिल का बहुत अच्छा है। फिल्म की कहानी काफी हद तक शाहरुख खान की फिल्म चक दे इंडिया से मिलती जुलती है, जिसमें शाहरुख खान को एक हॉकी प्लेयर दिखाया गया था जिसे टीम से निकाल दिया जाता है और फिर वो बाद में लड़कियों की टीम का कोच बनकर इंडिया को जीत दिलवाता है। कुछ ऐसा ही किरदार बिगिल में माइकल का भी है, लेकिन अंतर बस इतना है कि वह हॉकी थी और यह फुटबॉल है। इस फिल्म की रिलीज के बाद साउथ इंडिया में लोगों के बीच काफी अच्छा सोशल इम्पैक्ट देखने को मिला था। साउथ के कई बड़ी फुटबॉल टीम के कोच की तरफ से ये बयान आए थे कि वो लड़कियों को भी फुटबॉल की ट्रेनिंग देना शुरू कर रहे हैं। इस फिल्म को
क्रिटिक्स की तरफ से मिक्स रिव्यू मिले थे। इसके अलावा पॉपुलर वेबसाइट IMDb ने भी इस फिल्म को 10 में से 6.8 की रेटिंग दिए थे। बता दें, फिल्म की बड़ी लेंथ को लेकर कुछ नेगेटिव रिव्यू भी दिए गए थे, क्योंकि इस फिल्म को ड्यूरेशन है 2 घंटे और 59 मिनट, जिसके चलते फिल्म को ऑडियंस की तरफ से भी नेगेटिव रिव्यू का सामना करना पड़ा था। देखा जाए तो प्रेजेंट में 3 घंटे की फिल्म कोई भी नहीं देखना चाहेगा। ये भी फिल्म का एक ही वीक पॉइंट रहा है। इसके अलावा ज्यादा बजट होने की वजह से भी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर नहीं हो पाई, लेकिन अपना बजट निकालने में जरूर कामयाब रही। बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म को हिट घोषित किया गया था। फिल्म के बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के आंकड़े कुछ इस प्रकार है। बिगल मूवी बजट 180 करोड़ रुपए। बिगल मूवी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इंडिया 198 करोड़ रुपए। बिगल मूवी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन वर्ल्ड वाइड 300 करोड़ रुपए। अब बात करें इस फिल्म की OTT रिलीज को लेकर, तो इस फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इस फिल्म को फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर जाकर देख सकते हैं, वो भी फ्री, अगर आपके पास प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है। अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म रही है बिगल। जाने फिल्म का टोटल कलेक्शन, साथ ही जाने कहा देखे इसे फ्री में। थलपति विजय तमिल फिल्म उद्योग के सबसे बड़े सुपरस्टार में से एक है। उनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर राज करती है और एक के बाद एक बड़े पर्दे पर हिट होने के बाद प्रशंसक उनकी अगली फिल्म का बेसब्री से इंतजार करते हैं। 2019 में उन्हें बिगिल नामक फिल्म में देखा गया था, जिसमें लेडी सुपरस्टार नयनतारा भी मुख्य भूमिका में थी। ये विजय की अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म है। फिल्म ने दुनिया भर में बॉक्स ऑफिस पर 295.28 करोड़ रुपए कमाए। बिगल का निर्देशन इटली ने किया था और यहाँ तक की 2017 की रिलीज मार्शल का निर्देशन भी फिल्म निर्माता ने किया था। फिल्म ने दुनिया भर में बॉक्स ऑफिस पर 260 करोड़ रुपए कमाए। विजय, कीर्ति सुरेश और बरलक्ष्मी शरद कुमार अभिनीत AR मुरुगदस की सरकार बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर रही। फिल्म का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 252 करोड़ रुपए रहा। विजय स्टारर मास्टर महामारी के बीच बॉक्स ऑफिस पर धूम मचाने वाली पहली फिल्मों में से एक थी। लोकेश कनगराज निर्देशित इस फिल्म ने दुनिया भर में बॉक्स ऑफिस पर 223 करोड़ रुपए कमाए। विजय की हालिया रिलीज बीस्ट को नकारात्मक समीक्षा मिली, लेकिन इसने बॉक्स ऑफिस पर बम्पर ओपनिंग ली। हालांकि फिल्म की गति धीमी हो गई और अब तक इसने 10 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है। दुनिया भर में बॉक्स ऑफिस पर 145 करोड़ रुपए है। वही अगर बात करें फिल्म बीगल की OTT रिलीज को लेकर, तो इस फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दिया गया है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है। क्या दर्शकों को पसंद आई थलपति विजय की फिल्म बिगिल? कहां देख सकते हैं इसे फ्री में? फिल्म बिगिल से दर्शकों को काफी उम्मीदें थी, क्योंकि इसमें साउथ के सुपरस्टार और नयनतारा की जोड़ी एक साथ नजर आई। वही फिल्म में विजय को डबल रोल देखने का भी सभी को बेसब्री से इंतजार रहा था, लेकिन जब इसकी स्क्रीनिंग हुई तो इसकी कहानी में फीकापन नजर आया। फिल्म समीक्षकों ने भी इसे मिला जुला रिस्पॉन्स मिला। वही विजय के फैंस भी नाखुश नजर आए। अगर आप बिगल देखने का प्लान कर रहे हो तो इससे पहले जान लीजिए बिगल का रिव्यू। बिगल फिल्म के रिलीज के समय इसकी कहानी पर चोरी के आरोप भी लगाए गए थे। तेलुगु फिल्म मेकर नंदी चिन्नी कुमार ने मेकर्स के खिलाफ हैदराबाद कोर्ट में केस भी दर्ज करवाया था। इस पर फैसला आने में काफी टाइम लग गया था और अब तक ये फिल्म काफी सिनेमाघरों में हट भी चुकी थी। हालांकि इसी बीच इस फिल्म की डिजिटल राइट्स अमेज़न प्राइम ने खरीद लिए थे, लेकिन मद्रास हाई कोर्ट ने फिल्म की ऑनलाइन स्ट्रीमिंग पर रोक लगा दी थी। आखिरकार दिसंबर 2019 में हैदराबाद कोर्ट ने दोनों पार्टी के बीच सेटलमेंट करवाया। इस फिल्म में नयनतारा और विजय दूसरी बार एक साथ नजर आए थे। इससे पहले इन दोनों को साल 2009 में रिलीज हुई फिल्म बिल्लू में एक साथ देखा गया था। इसके अलावा बिगल विजय की करियर की चौथी ऐसी फिल्म थी जिसमें उन्होंने मल्टीपल रोल प्ले किया है। इससे पहले विजय साल 2007 में रिलीज हुई फिल्म
अजागिया तमिल मगन में डबल रोल, साल 2014 में रिलीज हुई फिल्म कत्थी में भी डबल रोल और साल 2017 में रिलीज हुई फिल्म मार्शल में ट्रिपल रोल में नजर आ चुके हैं। जिन लोगों ने विजय की फिल्म बिगिल और थैरी देखी है उन्होंने जरूर नोटिस किया होगा कि बिगिल में कुछ सीन थैरी से कॉपी किया गया है। अब बात करें इस फिल्म के OTT रिलीज को लेकर, तो इस फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इस फिल्म को फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं, वो भी फ्री में अगर आपके पास प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है। थलापति विजय की फिल्म बिगिल देखने से पहले जाने यहाँ फिल्म की कहानी से लेकर फिल्म के रिव्यू तक, साथ ही जाने कहाँ देख सकते हैं इसे फ्री में। फिल्म की स्टोरी लाइन की बात करें तो फिल्म में जोसेफ विजय डबल रोल में नजर आए हैं। एक है माइकल जो बिगिल के नाम से भी फेमस है और दूसरा किरदार है रायप्पन का जो माइकल के पिता है। माइकल एक फुटबॉल प्लेयर रह चुका है जो बाद में फीमेल टीम का कोच बन जाता है। इसके अलावा रायप्पन एक डॉन है लेकिन दिल का बहुत अच्छा है। फिल्म की कहानी काफी हद तक शाहरुख खान की फिल्म चक दे इंडिया से मिलती जुलती है, जिसमें शाहरुख खान को एक हॉकी प्लेयर दिखाया गया था जिसे टीम से निकाल दिया जाता है और फिर वो बाद में लड़कियों की टीम का कोच बनकर इंडिया को जीत दिलवाता है। कुछ ऐसा ही किरदार बिगिल में माइकल का भी है, लेकिन अंतर बस इतना है कि वह हॉकी थी और यह फुटबॉल है। इस फिल्म की रिलीज के बाद साउथ इंडिया में लोगों के बीच काफी अच्छा सोशल इम्पैक्ट देखने को मिला था। साउथ के कई बड़ी फुटबॉल टीम के कोच की तरफ से ये बयान आए थे कि वो लड़कियों को भी फुटबॉल की ट्रेनिंग देना शुरू कर रहे हैं। इस फिल्म को क्रिटिक्स की तरफ से मिक्स रिव्यू मिले थे। इसके अलावा पॉपुलर वेबसाइट IMDb ने भी इस फिल्म को 10 में से 6.8 की रेटिंग दिए थे। बता दें फिल्म की बड़ी लेंथ को लेकर कुछ नेगेटिव रिव्यू भी दिए गए थे क्योंकि इस फिल्म को ड्यूरेशन है 2 घंटे और 59 मिनट, जिसके चलते फिल्म को ऑडियंस की तरफ से भी नेगेटिव रिव्यू का सामना करना पड़ा था। देखा जाए तो प्रेजेंट में 3 घंटे की फिल्म कोई भी नहीं देखना चाहेगा। ये भी फिल्म का एक ही वीक पॉइंट रहा है। इसके अलावा ज्यादा बजट होने की वजह से भी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर नहीं हो पाई, लेकिन अपना बजट निकालने में जरूर कामयाब रही। बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म को हिट घोषित किया गया था। फिल्म के बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के आंकड़े कुछ इस प्रकार है। बिगिल मूवी बजट 180 करोड़ रुपए, बिगिल मूवी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इंडिया 198 करोड़ रुपए, बिगिल मूवी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन वर्ल्ड वाइड 300 करोड़ रुपए। अब बात करें इस फिल्म की OTT रिलीज को लेकर, तो इस फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इस फिल्म को फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर जाकर देख सकते हैं, वो भी फ्री अगर आपके पास प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है। अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म रही है बिगिल। जाने फिल्म का टोटल कलेक्शन, साथ ही जाने कहा देखे इसे फ्री में। थलापति विजय तमिल फिल्म उद्योग के सबसे बड़े सुपरस्टार में से एक है। उनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर राज करती है और एक के बाद एक बड़े पर्दे पर हिट होने के बाद प्रशंसक उनकी अगली फिल्म का बेसब्री से इंतजार करते हैं। 2019 में उन्हें बिगिल नामक फिल्म में देखा गया था जिसमें लेडी सुपरस्टार नयनतारा भी मुख्य भूमिका में थी। ये विजय की अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म है। फिल्म ने दुनिया भर में बॉक्स ऑफिस पर 295.28 करोड़ रुपए कमाए। बिगिल का निर्देशन इटली ने किया था और यहाँ तक की 2017 की रिलीज मार्शल का निर्देशन भी फिल्म निर्माता ने किया था। फिल्म ने दुनिया भर में बॉक्स ऑफिस पर 260 करोड़ रुपए कमाए। विजय, कीर्ति सुरेश और बरलक्ष्मी शरद कुमार अभिनीत AR मुरुगदस की सरकार बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर रही। फिल्म का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 252 करोड़ रुपए रहा। विजय स्टारर मास्टर महामारी के बीच बॉक्स ऑफिस पर धूम मचाने वाली पहली फिल्मों में से एक थी। लोकेश कनगराज निर्देशित इस फिल्म ने दुनिया भर में बॉक्स ऑफिस पर 223 करोड़ रुपए कमाए। विजय की हालिया रिलीज बीस्ट को नकारात्मक समीक्षा मिली, लेकिन इसने बॉक्स ऑफिस पर बम्पर ओपनिंग ली। हालांकि फिल्म की गति धीमी हो गई और अब तक इसने 10 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है। दुनिया भर में बॉक्स ऑफिस पर 145 करोड़ रुपए है।
वहीं अगर बात करें फिल्म बीगल की ओटीटी रिलीज को लेकर, तो इस फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दिया गया है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है। क्या दर्शकों को पसंद आई थलपति विजय की फिल्म बिगिल? कहां देख सकते हैं इसे फ्री में? फिल्म बिगिल से दर्शकों को काफी उम्मीदें थी, क्योंकि इसमें साउथ के सुपरस्टार और नयनतारा की जोड़ी एक साथ नजर आई। वहीं फिल्म में विजय को डबल रोल देखने का भी सभी को बेसब्री से इंतजार रहा था, लेकिन जब इसकी स्क्रीनिंग हुई तो इसकी कहानी में फीकापन नजर आया। फिल्म समीक्षकों ने भी इसे मिला जुला रिस्पॉन्स मिला, वही विजय के फैंस भी नाखुश नजर आए। अगर आप बिगिल देखने का प्लान कर रहे हो तो इससे पहले जान लीजिए बिगिल का रिव्यू। बिगिल फिल्म के रिलीज के समय इसकी कहानी पर चोरी के आरोप भी लगाए गए थे। तेलुगु फिल्म मेकर नंदी चिन्नी कुमार ने मेकर्स के खिलाफ हैदराबाद कोर्ट में केस भी दर्ज करवाया था। इस पर फैसला आने में काफी टाइम लग गया था और अब तक ये फिल्म काफी सिनेमाघरों में हट भी चुकी थी। हालांकि इसी बीच इस फिल्म की डिजिटल राइट्स अमेज़न प्राइम ने खरीद लिए थे, लेकिन मद्रास हाई कोर्ट ने फिल्म की ऑनलाइन स्ट्रीमिंग पर रोक लगा दी थी। आखिरकार दिसंबर 2019 में हैदराबाद कोर्ट ने दोनों पार्टी के बीच सेटलमेंट करवाया। इस फिल्म में नयनतारा और विजय दूसरी बार एक साथ नजर आए थे। इससे पहले इन दोनों को साल 2009 में रिलीज हुई फिल्म बिल्लू में एक साथ देखा गया था। इसके अलावा बिगल विजय की करियर की चौथी ऐसी फिल्म थी जिसमें उन्होंने मल्टीपल रोल प्ले किया है। इससे पहले विजय साल 2007 में रिलीज हुई फिल्म अजागिया तमिल मगन में डबल रोल, साल 2014 में रिलीज हुई फिल्म कत्थी में भी डबल रोल और साल 2017 में रिलीज हुई फिल्म मार्शल में ट्रिपल रोल में नजर आ चुके हैं। जिन लोगों ने विजय की फिल्म बिगिल और थैरी देखी है, उन्होंने जरूर नोटिस किया होगा कि बिगिल में कुछ सीन थैरी से कॉपी किया गया है। अब बात करें इस फिल्म के ओटीटी रिलीज को लेकर, तो इस फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इस फिल्म को फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं, वो भी फ्री में अगर आपके पास प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है। थलपति विजय की फिल्म बिगिल देखने से पहले जाने यहाँ फिल्म की कहानी से लेकर फिल्म के रिव्यू तक, साथ ही जाने कहाँ देख सकते हैं इसे फ्री में। फिल्म की स्टोरी लाइन की बात करें तो फिल्म में जोसेफ विजय डबल रोल में नजर आए हैं। एक है माइकल जो बिगिल के नाम से भी फेमस है और दूसरा किरदार है रायप्पन का जो माइकल के पिता है। माइकल एक फुटबॉल प्लेयर रह चुका है जो बाद में फीमेल टीम का कोच बन जाता है। इसके अलावा रायप्पन एक डॉन है लेकिन दिल का बहुत अच्छा है। फिल्म की कहानी काफी हद तक शाहरुख खान की फिल्म चक दे इंडिया से मिलती जुलती है, जिसमें शाहरुख खान को एक हॉकी प्लेयर दिखाया गया था जिसे टीम से निकाल दिया जाता है और फिर वो बाद में लड़कियों की टीम का कोच बनकर इंडिया को जीत दिलवाता है। कुछ ऐसा ही किरदार बिगिल में माइकल का भी है, लेकिन अंतर बस इतना है कि वह हॉकी थी और यह फुटबॉल है। इस फिल्म की रिलीज के बाद साउथ इंडिया में लोगों के बीच काफी अच्छा सोशल इम्पैक्ट देखने को मिला था। साउथ के कई बड़ी फुटबॉल टीम के कोच की तरफ से ये बयान आए थे कि वो लड़कियों को भी फुटबॉल की ट्रेनिंग देना शुरू कर रहे हैं। इस फिल्म को क्रिटिक्स की तरफ से मिक्स रिव्यू मिले थे। इसके अलावा पॉपुलर वेबसाइट IMDb ने भी इस फिल्म को 10 में से 6.8 की रेटिंग दिए थे। बता दे फिल्म की बड़ी लेंथ को लेकर कुछ नेगेटिव रिव्यू भी दिए गए थे, क्योंकि इस फिल्म को ड्यूरेशन है 2 घंटे और 59 मिनट, जिसके चलते फिल्म को ऑडियंस की तरफ से भी नेगेटिव रिव्यू का सामना करना पड़ा था। देखा जाए तो प्रेजेंट में 3 घंटे की फिल्म कोई भी नहीं देखना चाहेगा। ये भी फिल्म का एक ही वीक पॉइंट रहा है। इसके अलावा ज्यादा बजट होने की वजह से भी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर नहीं हो पाई, लेकिन अपना बजट निकालने में जरूर कामयाब रही। बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म को हिट घोषित किया गया था। फिल्म के बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के आंकड़े कुछ इस प्रकार है। बिगिल मूवी बजट 180 करोड़ रुपए, बिगिल मूवी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इंडिया 198 करोड़ रुपए, बिगिल मूवी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन वर्ल्ड वाइड 300 करोड़ रुपए। अब बात करें इस फिल्म की ओटीटी रिलीज को लेकर, तो इस फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इस फिल्म को फ्री में देखना चाहते हैं
तो प्राइम वीडियो पर जाकर देख सकते हैं, वो भी फ्री अगर आपके पास प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है। अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म रही है बिगिल। जाने फिल्म का टोटल कलेक्शन साथ ही जाने कहा देखे इसे फ्री में। थलपति विजय तमिल फिल्म उद्योग के सबसे बड़े सुपरस्टार में से एक है। उनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर राज करती है और एक के बाद एक बड़े पर्दे पर हिट होने के बाद प्रशंसक उनकी अगली फिल्म का बेसब्री से इंतजार करते हैं। 2019 में उन्हें बिगिल नामक फिल्म में देखा गया था, जिसमें लेडी सुपरस्टार नयनतारा भी मुख्य भूमिका में थी। ये विजय की अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म है। फिल्म ने दुनिया भर में बॉक्स ऑफिस पर 295.28 करोड़ रुपए कमाए। बिगिल का निर्देशन इटली ने किया था और यहाँ तक कि 2017 की रिलीज मार्शल का निर्देशन भी फिल्म निर्माता ने किया था। फिल्म ने दुनिया भर में बॉक्स ऑफिस पर 260 करोड़ रुपए कमाए। विजय, कीर्ति सुरेश और बरलक्ष्मी शरद कुमार अभिनीत A.R. मुरुगदस की सरकार बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर रही। फिल्म का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 252 करोड़ रुपए रहा। विजय स्टारर मास्टर महामारी के बीच बॉक्स ऑफिस पर धूम मचाने वाली पहली फिल्मों में से एक थी। लोकेश कनकराज निर्देशित इस फिल्म ने दुनिया भर में बॉक्स ऑफिस पर 223 करोड़ रुपए कमाए। विजय की हालिया रिलीज बीस्ट को नकारात्मक समीक्षा मिली, लेकिन इसने बॉक्स ऑफिस पर बम्पर ओपनिंग ली। हालांकि फिल्म की गति धीमी हो गई और अब तक इसने 10 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है। दुनिया भर में बॉक्स ऑफिस पर 145 करोड़ रुपए है। वही अगर बात करें फिल्म बीगल की OTT रिलीज को लेकर, तो इस फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दिया गया है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर फ्री में देख सकते हैं अगर आपके पास प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है। क्या दर्शकों को पसंद आई थलपति विजय की फिल्म बिगिल? कहां देख सकते हैं इसे फ्री में? फिल्म बिगिल से दर्शकों को काफी उम्मीदें थी, क्योंकि इसमें साउथ के सुपरस्टार और नयनतारा की जोड़ी एक साथ नजर आई। वही फिल्म में विजय को डबल रोल देखने का भी सभी को बेसब्री से इंतजार रहा था, लेकिन जब इसकी स्क्रीनिंग हुई तो इसकी कहानी में फीकापन नजर आया। फिल्म समीक्षकों ने भी इसे मिला जुला रिस्पॉन्स मिला, वही विजय के फैंस भी नाखुश नजर आए। अगर आप बिगिल देखने का प्लान कर रहे हो तो इससे पहले जान लीजिए बिगिल का रिव्यू। बिगिल फिल्म के रिलीज के समय इसकी कहानी पर चोरी के आरोप भी लगाए गए थे। तेलुगु फिल्म मेकर नंदी चिन्नी कुमार ने मेकर्स के खिलाफ हैदराबाद कोर्ट में केस भी दर्ज करवाया था। इस पर फैसला आने में काफी टाइम लग गया था और अब तक ये फिल्म काफी सिनेमाघरों में हट भी चुकी थी। हालांकि इसी बीच इस फिल्म की डिजिटल राइट्स अमेज़न प्राइम ने खरीद लिए थे, लेकिन मद्रास हाई कोर्ट ने फिल्म की ऑनलाइन स्ट्रीमिंग पर रोक लगा दी थी। आखिरकार दिसंबर 2019 में हैदराबाद कोर्ट ने दोनों पार्टी के बीच सेटलमेंट करवाया। इस फिल्म में नयनतारा और विजय दूसरी बार एक साथ नजर आए थे। इससे पहले इन दोनों को साल 2009 में रिलीज हुई फिल्म बिल्लू में एक साथ देखा गया था। इसके अलावा बिगिल विजय की करियर की चौथी ऐसी फिल्म थी जिसमें उन्होंने मल्टीपल रोल प्ले किया है। इससे पहले विजय साल 2007 में रिलीज हुई फिल्म अजागिया तमिल मगन में डबल रोल, साल 2014 में रिलीज हुई फिल्म कत्थी में भी डबल रोल और साल 2017 में रिलीज हुई फिल्म मार्शल में ट्रिपल रोल में नजर आ चुके हैं। जिन लोगों ने विजय की फिल्म बिगिल और थैरी देखी है, उन्होंने जरूर नोटिस किया होगा कि बिगिल में कुछ सीन थैरी से कॉपी किया गया है। अब बात करें इस फिल्म के OTT रिलीज को लेकर, तो इस फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इस फिल्म को फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं, वो भी फ्री में अगर आपके पास प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है। थलपति विजय की फिल्म बिगिल देखने से पहले जाने यहाँ फिल्म की कहानी से लेकर फिल्म के रिव्यू तक, साथ ही जाने कहाँ देख सकते हैं इसे फ्री में। फिल्म की स्टोरी लाइन की बात करें तो फिल्म में जोसेफ विजय डबल रोल में नजर आए हैं। एक है माइकल जो बिगिल के नाम से भी फेमस है और दूसरा किरदार है रायप्पन का जो माइकल के पिता है। माइकल एक फुटबॉल प्लेयर रह चुका है जो बाद में फीमेल टीम का कोच बन जाता है। इसके अलावा रायप्पन एक डॉन है लेकिन दिल का बहुत अच्छा है। फिल्म की कहानी काफी हद तक शाहरुख खान की फिल्म चक दे इंडिया से मिलती जुलती है,
जिसमें शाहरुख खान को एक हॉकी प्लेयर दिखाया गया था जिसे टीम से निकाल दिया जाता है और फिर वो बाद में लड़कियों की टीम का कोच बनकर इंडिया को जीत दिलवाता है। कुछ ऐसा ही किरदार बीगल में माइकल का भी है, लेकिन अंतर बस इतना है कि वह हॉकी थी और यह फुटबॉल है। इस फिल्म की रिलीज के बाद साउथ इंडिया में लोगों के बीच काफी अच्छा सोशल इम्पैक्ट देखने को मिला था। साउथ के कई बड़ी फुटबॉल टीम के कोच की तरफ से ये बयान आए थे कि वो लड़कियों को भी फुटबॉल की ट्रेनिंग देना शुरू कर रहे हैं। इस फिल्म को क्रिटिक्स की तरफ से मिक्स रिव्यू मिले थे। इसके अलावा पॉपुलर वेबसाइट IMDb ने भी इस फिल्म को 10 में से 6.8 की रेटिंग दिए थे। बता दें, फिल्म की बड़ी लेंथ को लेकर कुछ नेगेटिव रिव्यू भी दिए गए थे, क्योंकि इस फिल्म को ड्यूरेशन है 2 घंटे और 59 मिनट, जिसके चलते फिल्म को ऑडियंस की तरफ से भी नेगेटिव रिव्यू का सामना करना पड़ा था। देखा जाए तो प्रेजेंट में 3 घंटे की फिल्म कोई भी नहीं देखना चाहेगा। ये भी फिल्म का एक ही वीक पॉइंट रहा है। इसके अलावा ज्यादा बजट होने की वजह से भी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर नहीं हो पाई, लेकिन अपना बजट निकालने में जरूर कामयाब रही। बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म को हिट घोषित किया गया था। फिल्म के बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के आंकड़े कुछ इस प्रकार है। बिगल मूवी बजट 180 करोड़ रुपए। बिगल मूवी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इंडिया 198 करोड़ रुपए। बिगल मूवी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन वर्ल्ड वाइड 300 करोड़ रुपए। अब बात करें इस फिल्म की OTT रिलीज को लेकर, तो इस फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इस फिल्म को फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर जाकर देख सकते हैं, वो भी फ्री अगर आपके पास प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है। अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म रही है बिगल। जाने फिल्म का टोटल कलेक्शन, साथ ही जाने कहा देखे इसे फ्री में। थलपति विजय तमिल फिल्म उद्योग के सबसे बड़े सुपरस्टार में से एक है। उनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर राज करती है और एक के बाद एक बड़े पर्दे पर हिट होने के बाद प्रशंसक उनकी अगली फिल्म का बेसब्री से इंतजार करते हैं। 2019 में उन्हें बिगिल नामक फिल्म में देखा गया था, जिसमें लेडी सुपरस्टार नयनतारा भी मुख्य भूमिका में थी। ये विजय की अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म है। फिल्म ने दुनिया भर में बॉक्स ऑफिस पर 295.28 करोड़ रुपए कमाए। बिगल का निर्देशन इटली ने किया था और यहाँ तक की 2017 की रिलीज मार्शल का निर्देशन भी फिल्म निर्माता ने किया था। फिल्म ने दुनिया भर में बॉक्स ऑफिस पर 260 करोड़ रुपए कमाए। विजय, कीर्ति सुरेश और बरलक्ष्मी शरद कुमार अभिनीत AR मुरुगदस की सरकार बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर रही। फिल्म का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 252 करोड़ रुपए रहा। विजय स्टारर मास्टर महामारी के बीच बॉक्स ऑफिस पर धूम मचाने वाली पहली फिल्मों में से एक थी। लोकेश कनगराज निर्देशित इस फिल्म ने दुनिया भर में बॉक्स ऑफिस पर 223 करोड़ रुपए कमाए। विजय की हालिया रिलीज बीस्ट को नकारात्मक समीक्षा मिली, लेकिन इसने बॉक्स ऑफिस पर बम्पर ओपनिंग ली। हालांकि फिल्म की गति धीमी हो गई और अब तक इसने 10 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है। दुनिया भर में बॉक्स ऑफिस पर 145 करोड़ रुपए है। वही अगर बात करें फिल्म बीगल की OTT रिलीज को लेकर, तो इस फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दिया गया है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है। क्या दर्शकों को पसंद आई थलपति विजय की फिल्म बिगिल? कहां देख सकते हैं इसे फ्री में? फिल्म बिगिल से दर्शकों को काफी उम्मीदें थी, क्योंकि इसमें साउथ के सुपरस्टार और नयनतारा की जोड़ी एक साथ नजर आई। वही फिल्म में विजय को डबल रोल देखने का भी सभी को बेसब्री से इंतजार रहा था, लेकिन जब इसकी स्क्रीनिंग हुई तो इसकी कहानी में फीकापन नजर आया। फिल्म समीक्षकों ने भी इसे मिला जुला रिस्पॉन्स मिला, वही विजय के फैंस भी नाखुश नजर आए। अगर आप बिगल देखने का प्लान कर रहे हो तो इससे पहले जान लीजिए बिगल का रिव्यू। बिगल फिल्म के रिलीज के समय इसकी कहानी पर चोरी के आरोप भी लगाए गए थे। तेलुगु फिल्म मेकर नंदी चिन्नी कुमार ने मेकर्स के खिलाफ हैदराबाद कोर्ट में केस भी दर्ज करवाया था। इस पर फैसला आने में काफी टाइम लग गया था और अब तक ये फिल्म काफी सिनेमाघरों में हट भी चुकी थी।
हालांकि इसी बीच इस फिल्म की डिजिटल राइट्स अमेज़न प्राइम ने खरीद लिए थे, लेकिन मद्रास हाई कोर्ट ने फिल्म की ऑनलाइन स्ट्रीमिंग पर रोक लगा दी थी। आखिरकार दिसंबर 2019 में हैदराबाद कोर्ट ने दोनों पार्टी के बीच सेटलमेंट करवाया। इस फिल्म में नयनतारा और विजय दूसरी बार एक साथ नजर आए थे। इससे पहले इन दोनों को साल 2009 में रिलीज हुई फिल्म बिल्लू में एक साथ देखा गया था। इसके अलावा बिगल विजय की करियर की चौथी ऐसी फिल्म थी जिसमें उन्होंने मल्टीपल रोल प्ले किया है। इससे पहले विजय साल 2007 में रिलीज हुई फिल्म अजागिया तमिल मगन में डबल रोल, साल 2014 में रिलीज हुई फिल्म कत्थी में भी डबल रोल और साल 2017 में रिलीज हुई फिल्म मार्शल में ट्रिपल रोल में नजर आ चुके हैं। जिन लोगों ने विजय की फिल्म बिगल और थैरी देखी है, उन्होंने जरूर नोटिस किया होगा कि बिगल में कुछ सीन थैरी से कॉपी किया गया है। अब बात करें इस फिल्म के OTT रिलीज को लेकर, तो इस फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इस फिल्म को फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं, वो भी फ्री में अगर आपके पास प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है। थलापति विजय की फिल्म बिगल देखने से पहले जाने यहाँ फिल्म की कहानी से लेकर फिल्म के रिव्यू तक, साथ ही जाने कहाँ देख सकते हैं इसे फ्री में। फिल्म की स्टोरी लाइन की बात करें तो फिल्म में जोसेफ विजय डबल रोल में नजर आए हैं। एक है माइकल जो बिगल के नाम से भी फेमस है और दूसरा किरदार है रायप्पन का जो माइकल के पिता है। माइकल एक फुटबॉल प्लेयर रह चुका है जो बाद में फीमेल टीम का कोच बन जाता है। इसके अलावा रायप्पन एक डॉन है लेकिन दिल का बहुत अच्छा है। फिल्म की कहानी काफी हद तक शाहरुख खान की फिल्म चक दे इंडिया से मिलती जुलती है, जिसमें शाहरुख खान को एक हॉकी प्लेयर दिखाया गया था जिसे टीम से निकाल दिया जाता है और फिर वो बाद में लड़कियों की टीम का कोच बनकर इंडिया को जीत दिलवाता है। कुछ ऐसा ही किरदार बिगल में माइकल का भी है, लेकिन अंतर बस इतना है कि वह हॉकी थी और यह फुटबॉल है। इस फिल्म की रिलीज के बाद साउथ इंडिया में लोगों के बीच काफी अच्छा सोशल इम्पैक्ट देखने को मिला था। साउथ के कई बड़ी फुटबॉल टीम के कोच की तरफ से ये बयान आए थे कि वो लड़कियों को भी फुटबॉल की ट्रेनिंग देना शुरू कर रहे हैं। इस फिल्म को क्रिटिक्स की तरफ से मिक्स रिव्यू मिले थे। इसके अलावा पॉपुलर वेबसाइट IMDb ने भी इस फिल्म को 10 में से 6.8 की रेटिंग दिए थे। बता दें फिल्म की बड़ी लेंथ को लेकर कुछ नेगेटिव रिव्यू भी दिए गए थे, क्योंकि इस फिल्म को ड्यूरेशन है 2 घंटे और 59 मिनट, जिसके चलते फिल्म को ऑडियंस की तरफ से भी नेगेटिव रिव्यू का सामना करना पड़ा था। देखा जाए तो प्रेजेंट में 3 घंटे की फिल्म कोई भी नहीं देखना चाहेगा। ये भी फिल्म का एक ही वीक पॉइंट रहा है। इसके अलावा ज्यादा बजट होने की वजह से भी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर नहीं हो पाई, लेकिन अपना बजट निकालने में जरूर कामयाब रही। बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म को हिट घोषित किया गया था। फिल्म के बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के आंकड़े कुछ इस प्रकार है। बिगल मूवी बजट 180 करोड़ रुपए, बिगल मूवी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इंडिया 198 करोड़ रुपए, बिगल मूवी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन वर्ल्ड वाइड 300 करोड़ रुपए। अब बात करें इस फिल्म की OTT रिलीज को लेकर, तो इस फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इस फिल्म को फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर जाकर देख सकते हैं, वो भी फ्री अगर आपके पास प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है। अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म रही है बिगल। जाने फिल्म का टोटल कलेक्शन, साथ ही जाने कहा देखे इसे फ्री में। थलापति विजय तमिल फिल्म उद्योग के सबसे बड़े सुपरस्टार में से एक है। उनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर राज करती है और एक के बाद एक बड़े पर्दे पर हिट होने के बाद प्रशंसक उनकी अगली फिल्म का बेसब्री से इंतजार करते हैं। 2019 में उन्हें बिगल नामक फिल्म में देखा गया था जिसमें लेडी सुपरस्टार नयनतारा भी मुख्य भूमिका में थी। ये विजय की अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म है। फिल्म ने दुनिया भर में बॉक्स ऑफिस पर 295.28 करोड़ रुपए कमाए। बिगल का निर्देशन इटली ने किया था और यहाँ तक की 2017 की रिलीज मार्शल का निर्देशन भी फिल्म निर्माता ने किया था। फिल्म ने दुनिया भर में बॉक्स ऑफिस पर 260 करोड़ रुपए कमाए। विजय, कीर्ति सुरेश और बरलक्ष्मी शरद कुमार अभिनीत AR मुरुगदस की सरकार बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर रही। फिल्म का
वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 252 करोड़ रुपए रहा। विजय स्टारर मास्टर महामारी के बीच बॉक्स ऑफिस पर धूम मचाने वाली पहली फिल्मों में से एक थी। लोकेश कनगराज निर्देशित इस फिल्म ने दुनिया भर में बॉक्स ऑफिस पर 223 करोड़ रुपए कमाए। विजय की हालिया रिलीज बीस्ट को नकारात्मक समीक्षा मिली, लेकिन इसने बॉक्स ऑफिस पर बम्पर ओपनिंग ली। हालांकि फिल्म की गति धीमी हो गई और अब तक इसने 10 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है। दुनिया भर में बॉक्स ऑफिस पर 145 करोड़ रुपए है। वहीं अगर बात करें फिल्म बीगल की ओटीटी रिलीज को लेकर, तो इस फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दिया गया है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है। क्या दर्शकों को पसंद आई थलपति विजय की फिल्म बिगिल? कहां देख सकते हैं इसे फ्री में? फिल्म बिगिल से दर्शकों को काफी उम्मीदें थी, क्योंकि इसमें साउथ के सुपरस्टार और नयनतारा की जोड़ी एक साथ नजर आई। वही फिल्म में विजय को डबल रोल देखने का भी सभी को बेसब्री से इंतजार रहा था। लेकिन जब इसकी स्क्रीनिंग हुई तो इसकी कहानी में फीकापन नजर आया। फिल्म समीक्षकों ने भी इसे मिला जुला रिस्पॉन्स मिला। वही विजय के फैंस भी नाखुश नजर आए। अगर आप बिगिल देखने का प्लान कर रहे हो तो इससे पहले जान लीजिए बिगिल का रिव्यू। बिगिल फिल्म के रिलीज के समय इसकी कहानी पर चोरी के आरोप भी लगाए गए थे। तेलुगु फिल्म मेकर नंदी चिन्नी कुमार ने मेकर्स के खिलाफ हैदराबाद कोर्ट में केस भी दर्ज करवाया था। इस पर फैसला आने में काफी टाइम लग गया था और अब तक ये फिल्म काफी सिनेमाघरों में हट भी चुकी थी। हालांकि इसी बीच इस फिल्म की डिजिटल राइट्स अमेज़न प्राइम ने खरीद लिए थे, लेकिन मद्रास हाई कोर्ट ने फिल्म की ऑनलाइन स्ट्रीमिंग पर रोक लगा दी थी। आखिरकार दिसंबर 2019 में हैदराबाद कोर्ट ने दोनों पार्टी के बीच सेटलमेंट करवाया। इस फिल्म में नयनतारा और विजय दूसरी बार एक साथ नजर आए थे। इससे पहले इन दोनों को साल 2009 में रिलीज हुई फिल्म बिल्लू में एक साथ देखा गया था। इसके अलावा बिगल विजय की करियर की चौथी ऐसी फिल्म थी जिसमें उन्होंने मल्टीपल रोल प्ले किया है। इससे पहले विजय साल 2007 में रिलीज हुई फिल्म अजागिया तमिल मगन में डबल रोल, साल 2014 में रिलीज हुई फिल्म कत्थी में भी डबल रोल और साल 2017 में रिलीज हुई फिल्म मार्शल में ट्रिपल रोल में नजर आ चुके हैं। जिन लोगों ने विजय की फिल्म बिगिल और थैरी देखी है, उन्होंने जरूर नोटिस किया होगा कि बिगिल में कुछ सीन थैरी से कॉपी किया गया है। अब बात करें इस फिल्म के ओटीटी रिलीज को लेकर, तो इस फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इस फिल्म को फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं, वो भी फ्री में अगर आपके पास प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है। थलपति विजय की फिल्म बिगिल देखने से पहले जाने यहाँ फिल्म की कहानी से लेकर फिल्म के रिव्यू तक, साथ ही जाने कहाँ देख सकते हैं इसे फ्री में। फिल्म की स्टोरी लाइन की बात करें तो फिल्म में जोसेफ विजय डबल रोल में नजर आए हैं। एक है माइकल जो बिगिल के नाम से भी फेमस है और दूसरा किरदार है रायप्पन का जो माइकल के पिता है। माइकल एक फुटबॉल प्लेयर रह चुका है जो बाद में फीमेल टीम का कोच बन जाता है। इसके अलावा रायप्पन एक डॉन है लेकिन दिल का बहुत अच्छा है। फिल्म की कहानी काफी हद तक शाहरुख खान की फिल्म चक दे इंडिया से मिलती जुलती है, जिसमें शाहरुख खान को एक हॉकी प्लेयर दिखाया गया था जिसे टीम से निकाल दिया जाता है और फिर वो बाद में लड़कियों की टीम का कोच बनकर इंडिया को जीत दिलवाता है। कुछ ऐसा ही किरदार बिगिल में माइकल का भी है, लेकिन अंतर बस इतना है कि वह हॉकी थी और यह फुटबॉल है। इस फिल्म की रिलीज के बाद साउथ इंडिया में लोगों के बीच काफी अच्छा सोशल इम्पैक्ट देखने को मिला था। साउथ के कई बड़ी फुटबॉल टीम के कोच की तरफ से ये बयान आए थे कि वो लड़कियों को भी फुटबॉल की ट्रेनिंग देना शुरू कर रहे हैं। इस फिल्म को क्रिटिक्स की तरफ से मिक्स रिव्यू मिले थे। इसके अलावा पॉपुलर वेबसाइट IMDb ने भी इस फिल्म को 10 में से 6.8 की रेटिंग दिए थे। बता दें फिल्म की बड़ी लेंथ को लेकर कुछ नेगेटिव रिव्यू भी दिए गए थे, क्योंकि इस फिल्म को ड्यूरेशन है 2 घंटे और 59 मिनट, जिसके चलते फिल्म को ऑडियंस की तरफ से भी नेगेटिव रिव्यू का सामना करना पड़ा था। देखा जाए तो प्रेजेंट में 3 घंटे की फिल्म कोई भी नहीं देखना चाहेगा।
ये भी फिल्म का एक ही वीक पॉइंट रहा है। इसके अलावा ज्यादा बजट होने की वजह से भी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर नहीं हो पाई, लेकिन अपना बजट निकालने में जरूर कामयाब रही। बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म को हिट घोषित किया गया था। फिल्म के बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के आंकड़े कुछ इस प्रकार है। बिगल मूवी बजट 180 करोड़ रुपए, बिगल मूवी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इंडिया 198 करोड़ रुपए, बिगल मूवी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन वर्ल्ड वाइड 300 करोड़ रुपए। अब बात करें इस फिल्म की ओटीटी रिलीज को लेकर, तो इस फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इस फिल्म को फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर जाकर देख सकते हैं, वो भी फ्री अगर आपके पास प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है। अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म रही है बिगल। जाने फिल्म का टोटल कलेक्शन, साथ ही जाने कहा देखें इसे फ्री में। थलपति विजय तमिल फिल्म उद्योग के सबसे बड़े सुपरस्टार में से एक है। उनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर राज करती है और एक के बाद एक बड़े पर्दे पर हिट होने के बाद प्रशंसक उनकी अगली फिल्म का बेसब्री से इंतजार करते हैं। 2019 में उन्हें बिगिल नामक फिल्म में देखा गया था, जिसमें लेडी सुपरस्टार नयनतारा भी मुख्य भूमिका में थी। ये विजय की अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म है। फिल्म ने दुनिया भर में बॉक्स ऑफिस पर 295.28 करोड़ रुपए कमाए। बिगल का निर्देशन इटली ने किया था और यहाँ तक की 2017 की रिलीज मार्शल का निर्देशन भी फिल्म निर्माता ने किया था। फिल्म ने दुनिया भर में बॉक्स ऑफिस पर 260 करोड़ रुपए कमाए। विजय, कीर्ति सुरेश और बरलक्ष्मी शरद कुमार अभिनीत A.R. मुरुगदस की सरकार बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर रही। फिल्म का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 252 करोड़ रुपए रहा। विजय स्टारर मास्टर महामारी के बीच बॉक्स ऑफिस पर धूम मचाने वाली पहली फिल्मों में से एक थी। लोकेश कनगराज निर्देशित इस फिल्म ने दुनिया भर में बॉक्स ऑफिस पर 223 करोड़ रुपए कमाए। विजय की हालिया रिलीज बीस्ट को नकारात्मक समीक्षा मिली, लेकिन इसने बॉक्स ऑफिस पर बम्पर ओपनिंग ली। हालांकि फिल्म की गति धीमी हो गई और अब तक इसने 10 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है। दुनिया भर में बॉक्स ऑफिस पर 145 करोड़ रुपए है। वही अगर बात करें फिल्म बीगल की ओटीटी रिलीज को लेकर, तो इस फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दिया गया है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है। क्या दर्शकों को पसंद आई थलपति विजय की फिल्म बिगिल? कहां देख सकते हैं इसे फ्री में? फिल्म बिगिल से दर्शकों को काफी उम्मीदें थी, क्योंकि इसमें साउथ के सुपरस्टार और नयनतारा की जोड़ी एक साथ नजर आई। वही फिल्म में विजय को डबल रोल देखने का भी सभी को बेसब्री से इंतजार रहा था, लेकिन जब इसकी स्क्रीनिंग हुई तो इसकी कहानी में फीकापन नजर आया। फिल्म समीक्षकों ने भी इसे मिला जुला रिस्पॉन्स मिला, वही विजय के फैंस भी नाखुश नजर आए। अगर आप बिगल देखने का प्लान कर रहे हो तो इससे पहले जान लीजिए बिगल का रिव्यू। बिगल फिल्म के रिलीज के समय इसकी कहानी पर चोरी के आरोप भी लगाए गए थे। तेलुगु फिल्म मेकर नंदी चिन्नी कुमार ने मेकर्स के खिलाफ हैदराबाद कोर्ट में केस भी दर्ज करवाया था। इस पर फैसला आने में काफी टाइम लग गया था और अब तक ये फिल्म काफी सिनेमाघरों में हट भी चुकी थी। हालांकि इसी बीच इस फिल्म की डिजिटल राइट्स अमेज़न प्राइम ने खरीद लिए थे, लेकिन मद्रास हाई कोर्ट ने फिल्म की ऑनलाइन स्ट्रीमिंग पर रोक लगा दी थी। आखिरकार दिसंबर 2019 में हैदराबाद कोर्ट ने दोनों पार्टी के बीच सेटलमेंट करवाया। इस फिल्म में नयनतारा और विजय दूसरी बार एक साथ नजर आए थे। इससे पहले इन दोनों को साल 2009 में रिलीज हुई फिल्म बिल्लू में एक साथ देखा गया था। इसके अलावा बिगल विजय की करियर की चौथी ऐसी फिल्म थी जिसमें उन्होंने मल्टीपल रोल प्ले किया है। इससे पहले विजय साल 2007 में रिलीज हुई फिल्म अजागिया तमिल मगन में डबल रोल, साल 2014 में रिलीज हुई फिल्म कत्थी में भी डबल रोल और साल 2017 में रिलीज हुई फिल्म मार्शल में ट्रिपल रोल में नजर आ चुके हैं। जिन लोगों ने विजय की फिल्म बिगल और थैरी देखी है, उन्होंने जरूर नोटिस किया होगा कि बिगल में कुछ सीन थैरी से कॉपी किया गया है। अब बात करें इस फिल्म के ओटीटी रिलीज को लेकर, तो इस फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म
प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इस फिल्म को फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं, वो भी फ्री में अगर आपके पास प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है। थलापति विजय की फिल्म बिगिल देखने से पहले जाने यहाँ फिल्म की कहानी से लेकर फिल्म के रिव्यू तक, साथ ही जाने कहाँ देख सकते हैं इसे फ्री में। फिल्म की स्टोरी लाइन की बात करें तो फिल्म में जोसेफ विजय डबल रोल में नजर आए हैं। एक है माइकल जो बिगिल के नाम से भी फेमस है और दूसरा किरदार है रायप्पन का जो माइकल के पिता है। माइकल एक फुटबॉल प्लेयर रह चुका है जो बाद में फीमेल टीम का कोच बन जाता है। इसके अलावा रायप्पन एक डॉन है लेकिन दिल का बहुत अच्छा है। फिल्म की कहानी काफी हद तक शाहरुख खान की फिल्म चक दे इंडिया से मिलती जुलती है, जिसमें शाहरुख खान को एक हॉकी प्लेयर दिखाया गया था जिसे टीम से निकाल दिया जाता है और फिर वो बाद में लड़कियों की टीम का कोच बनकर इंडिया को जीत दिलवाता है। कुछ ऐसा ही किरदार बिगिल में माइकल का भी है, लेकिन अंतर बस इतना है कि वह हॉकी थी और यह फुटबॉल है। इस फिल्म की रिलीज के बाद साउथ इंडिया में लोगों के बीच काफी अच्छा सोशल इम्पैक्ट देखने को मिला था। साउथ के कई बड़ी फुटबॉल टीम के कोच की तरफ से ये बयान आए थे कि वो लड़कियों को भी फुटबॉल की ट्रेनिंग देना शुरू कर रहे हैं। इस फिल्म को क्रिटिक्स की तरफ से मिक्स रिव्यू मिले थे। इसके अलावा पॉपुलर वेबसाइट IMDb ने भी इस फिल्म को 10 में से 6.8 की रेटिंग दिए थे। बता दें फिल्म की बड़ी लेंथ को लेकर कुछ नेगेटिव रिव्यू भी दिए गए थे, क्योंकि इस फिल्म को ड्यूरेशन है 2 घंटे और 59 मिनट, जिसके चलते फिल्म को ऑडियंस की तरफ से भी नेगेटिव रिव्यू का सामना करना पड़ा था। देखा जाए तो प्रेजेंट में 3 घंटे की फिल्म कोई भी नहीं देखना चाहेगा। ये भी फिल्म का एक ही वीक पॉइंट रहा है। इसके अलावा ज्यादा बजट होने की वजह से भी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर नहीं हो पाई, लेकिन अपना बजट निकालने में जरूर कामयाब रही। बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म को हिट घोषित किया गया था। फिल्म के बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के आंकड़े कुछ इस प्रकार है। बिगिल मूवी बजट 180 करोड़ रुपए, बिगिल मूवी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इंडिया 198 करोड़ रुपए, बिगिल मूवी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन वर्ल्ड वाइड 300 करोड़ रुपए। अब बात करें इस फिल्म की OTT रिलीज को लेकर, तो इस फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इस फिल्म को फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर जाकर देख सकते हैं, वो भी फ्री अगर आपके पास प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है। अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म रही है बिगिल। जाने फिल्म का टोटल कलेक्शन, साथ ही जाने कहा देखे इसे फ्री में। थलापति विजय तमिल फिल्म उद्योग के सबसे बड़े सुपरस्टार में से एक है। उनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर राज करती है और एक के बाद एक बड़े पर्दे पर हिट होने के बाद प्रशंसक उनकी अगली फिल्म का बेसब्री से इंतजार करते हैं। 2019 में उन्हें बिगिल नामक फिल्म में देखा गया था जिसमें लेडी सुपरस्टार नयनतारा भी मुख्य भूमिका में थी। ये विजय की अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म है। फिल्म ने दुनिया भर में बॉक्स ऑफिस पर 295.28 करोड़ रुपए कमाए। बिगिल का निर्देशन इटली ने किया था और यहाँ तक की 2017 की रिलीज मार्शल का निर्देशन भी फिल्म निर्माता ने किया था। फिल्म ने दुनिया भर में बॉक्स ऑफिस पर 260 करोड़ रुपए कमाए। विजय, कीर्ति सुरेश और बरलक्ष्मी शरद कुमार अभिनीत AR मुरुगदस की सरकार बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर रही। फिल्म का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 252 करोड़ रुपए रहा। विजय स्टारर मास्टर महामारी के बीच बॉक्स ऑफिस पर धूम मचाने वाली पहली फिल्मों में से एक थी। लोकेश कनगराज निर्देशित इस फिल्म ने दुनिया भर में बॉक्स ऑफिस पर 223 करोड़ रुपए कमाए। विजय की हालिया रिलीज बीस्ट को नकारात्मक समीक्षा मिली, लेकिन इसने बॉक्स ऑफिस पर बम्पर ओपनिंग ली। हालांकि फिल्म की गति धीमी हो गई और अब तक इसने 10 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है। दुनिया भर में बॉक्स ऑफिस पर 145 करोड़ रुपए है। वही अगर बात करें फिल्म बिगिल की OTT रिलीज को लेकर, तो इस फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दिया गया है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है। क्या दर्शकों को पसंद आई थलापति विजय की फिल्म बिगिल? कहां देख सकते हैं इसे फ्री में?
फिल्म बिगिल से दर्शकों को काफी उम्मीदें थी क्योंकि इसमें साउथ के सुपरस्टार और नयनतारा की जोड़ी एक साथ नजर आई। वहीं फिल्म में विजय को डबल रोल देखने का भी सभी को बेसब्री से इंतजार रहा था, लेकिन जब इसकी स्क्रीनिंग हुई तो इसकी कहानी में फीकापन नजर आया। फिल्म समीक्षकों ने भी इसे मिला जुला रिस्पॉन्स मिला। वही विजय के फैंस भी नाखुश नजर आए। अगर आप बिगिल देखने का प्लान कर रहे हो तो इससे पहले जान लीजिए बिगिल का रिव्यू। बिगिल फिल्म के रिलीज के समय इसकी कहानी पर चोरी के आरोप भी लगाए गए थे। तेलुगु फिल्म मेकर नंदी चिन्नी कुमार ने मेकर्स के खिलाफ हैदराबाद कोर्ट में केस भी दर्ज करवाया था। इस पर फैसला आने में काफी टाइम लग गया था और अब तक ये फिल्म काफी सिनेमाघरों में हट भी चुकी थी। हालांकि इसी बीच इस फिल्म की डिजिटल राइट्स अमेज़न प्राइम ने खरीद लिए थे, लेकिन मद्रास हाई कोर्ट ने फिल्म की ऑनलाइन स्ट्रीमिंग पर रोक लगा दी थी। आखिरकार दिसंबर 2019 में हैदराबाद कोर्ट ने दोनों पार्टी के बीच सेटलमेंट करवाया। इस फिल्म में नयनतारा और विजय दूसरी बार एक साथ नजर आए थे। इससे पहले इन दोनों को साल 2009 में रिलीज हुई फिल्म बिल्लू में एक साथ देखा गया था। इसके अलावा बिगल विजय की करियर की चौथी ऐसी फिल्म थी जिसमें उन्होंने मल्टीपल रोल प्ले किया है। इससे पहले विजय साल 2007 में रिलीज हुई फिल्म अजागिया तमिल मगन में डबल रोल, साल 2014 में रिलीज हुई फिल्म कत्थी में भी डबल रोल और साल 2017 में रिलीज हुई फिल्म मार्शल में ट्रिपल रोल में नजर आ चुके हैं। जिन लोगों ने विजय की फिल्म बिगिल और थैरी देखी है उन्होंने जरूर नोटिस किया होगा कि बिगिल में कुछ सीन थैरी से कॉपी किया गया है। अब बात करें इस फिल्म के OTT रिलीज को लेकर तो इस फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इस फिल्म को फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं, वो भी फ्री में अगर आपके पास प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है। थलापति विजय की फिल्म बिगिल देखने से पहले जाने यहाँ फिल्म की कहानी से लेकर फिल्म के रिव्यू तक, साथ ही जाने कहाँ देख सकते हैं इसे फ्री में। फिल्म की स्टोरी लाइन की बात करें तो फिल्म में जोसेफ विजय डबल रोल में नजर आए हैं। एक है माइकल जो बिगिल के नाम से भी फेमस है और दूसरा किरदार है रायप्पन का जो माइकल के पिता है। माइकल एक फुटबॉल प्लेयर रह चुका है जो बाद में फीमेल टीम का कोच बन जाता है। इसके अलावा रायप्पन एक डॉन है लेकिन दिल का बहुत अच्छा है। फिल्म की कहानी काफी हद तक शाहरुख खान की फिल्म चक दे इंडिया से मिलती जुलती है, जिसमें शाहरुख खान को एक हॉकी प्लेयर दिखाया गया था जिसे टीम से निकाल दिया जाता है और फिर वो बाद में लड़कियों की टीम का कोच बनकर इंडिया को जीत दिलवाता है। कुछ ऐसा ही किरदार बिगिल में माइकल का भी है, लेकिन अंतर बस इतना है कि वह हॉकी थी और यह फुटबॉल है। इस फिल्म की रिलीज के बाद साउथ इंडिया में लोगों के बीच काफी अच्छा सोशल इम्पैक्ट देखने को मिला था। साउथ के कई बड़ी फुटबॉल टीम के कोच की तरफ से ये बयान आए थे कि वो लड़कियों को भी फुटबॉल की ट्रेनिंग देना शुरू कर रहे हैं। इस फिल्म को क्रिटिक्स की तरफ से मिक्स रिव्यू मिले थे। इसके अलावा पॉपुलर वेबसाइट IMDb ने भी इस फिल्म को 10 में से 6.8 की रेटिंग दिए थे। बता दे फिल्म की बड़ी लेंथ को लेकर कुछ नेगेटिव रिव्यू भी दिए गए थे क्योंकि इस फिल्म को ड्यूरेशन है 2 घंटे और 59 मिनट, जिसके चलते फिल्म को ऑडियंस की तरफ से भी नेगेटिव रिव्यू का सामना करना पड़ा था। देखा जाए तो प्रेजेंट में 3 घंटे की फिल्म कोई भी नहीं देखना चाहेगा। ये भी फिल्म का एक ही वीक पॉइंट रहा है। इसके अलावा ज्यादा बजट होने की वजह से भी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर नहीं हो पाई, लेकिन अपना बजट निकालने में जरूर कामयाब रही। बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म को हिट घोषित किया गया था। फिल्म के बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के आंकड़े कुछ इस प्रकार है। बिगिल मूवी बजट 180 करोड़ रुपए, बिगिल मूवी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इंडिया 198 करोड़ रुपए, बिगिल मूवी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन वर्ल्ड वाइड 300 करोड़ रुपए। अब बात करें इस फिल्म की OTT रिलीज को लेकर तो इस फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इस फिल्म को फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर जाकर देख सकते हैं, वो भी फ्री अगर आपके पास प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है। अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म रही है बिगिल। जाने फिल्म का टोटल कलेक्शन, साथ ही जाने कहा देखे इसे फ्री में। थलापति विजय तमिल फिल्म उद्योग के सबसे बड़े सुपरस्टार में से एक है।
उनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर राज करती है और एक के बाद एक बड़े पर्दे पर हिट होने के बाद प्रशंसक उनकी अगली फिल्म का बेसब्री से इंतजार करते हैं। 2019 में उन्हें बिगिल नामक फिल्म में देखा गया था जिसमें लेडी सुपरस्टार नयनतारा भी मुख्य भूमिका में थी। ये विजय की अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म है। फिल्म ने दुनिया भर में बॉक्स ऑफिस पर 295.28 करोड़ रुपए कमाए। बिगल का निर्देशन इटली ने किया था और यहाँ तक कि 2017 की रिलीज मार्शल का निर्देशन भी फिल्म निर्माता ने किया था। फिल्म ने दुनिया भर में बॉक्स ऑफिस पर 260 करोड़ रुपए कमाए। विजय, कीर्ति सुरेश और बरलक्ष्मी शरद कुमार अभिनीत A.R. मुरुगदस की सरकार बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर रही। फिल्म का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 252 करोड़ रुपए रहा। विजय स्टारर मास्टर महामारी के बीच बॉक्स ऑफिस पर धूम मचाने वाली पहली फिल्मों में से एक थी। लोकेश कनकराज निर्देशित इस फिल्म ने दुनिया भर में बॉक्स ऑफिस पर 223 करोड़ रुपए कमाए। विजय की हालिया रिलीज बीस्ट को नकारात्मक समीक्षा मिली, लेकिन इसने बॉक्स ऑफिस पर बम्पर ओपनिंग ली। हालांकि फिल्म की गति धीमी हो गई और अब तक इसने 10 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है। दुनिया भर में बॉक्स ऑफिस पर 145 करोड़ रुपए है। वही अगर बात करें फिल्म बीगल की OTT रिलीज को लेकर, तो इस फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दिया गया है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर फ्री में देख सकते हैं। अगर आपके पास प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है। क्या दर्शकों को पसंद आई थलपति विजय की फिल्म बिगिल? कहां देख सकते हैं इसे फ्री में? फिल्म बिगिल से दर्शकों को काफी उम्मीदें थी, क्योंकि इसमें साउथ के सुपरस्टार और नयनतारा की जोड़ी एक साथ नजर आई। वही फिल्म में विजय को डबल रोल देखने का भी सभी को बेसब्री से इंतजार रहा था, लेकिन जब इसकी स्क्रीनिंग हुई तो इसकी कहानी में फीकापन नजर आया। फिल्म समीक्षकों ने भी इसे मिला जुला रिस्पॉन्स मिला। वही विजय के फैंस भी नाखुश नजर आए। अगर आप बिगिल देखने का प्लान कर रहे हो तो इससे पहले जान लीजिए बिगिल का रिव्यू। बिगिल फिल्म के रिलीज के समय इसकी कहानी पर चोरी के आरोप भी लगाए गए थे। तेलुगु फिल्म मेकर नंदी चिन्नी कुमार ने मेकर्स के खिलाफ हैदराबाद कोर्ट में केस भी दर्ज करवाया था। इस पर फैसला आने में काफी टाइम लग गया था और अब तक ये फिल्म काफी सिनेमाघरों में हट भी चुकी थी। हालांकि इसी बीच इस फिल्म की डिजिटल राइट्स अमेज़न प्राइम ने खरीद लिए थे, लेकिन मद्रास हाई कोर्ट ने फिल्म की ऑनलाइन स्ट्रीमिंग पर रोक लगा दी थी। आखिरकार दिसंबर 2019 में हैदराबाद कोर्ट ने दोनों पार्टी के बीच सेटलमेंट करवाया। इस फिल्म में नयनतारा और विजय दूसरी बार एक साथ नजर आए थे। इससे पहले इन दोनों को साल 2009 में रिलीज हुई फिल्म बिल्लू में एक साथ देखा गया था। इसके अलावा बिगल विजय की करियर की चौथी ऐसी फिल्म थी जिसमें उन्होंने मल्टीपल रोल प्ले किया है। इससे पहले विजय साल 2007 में रिलीज हुई फिल्म अजागिया तमिल मगन में डबल रोल, साल 2014 में रिलीज हुई फिल्म कत्थी में भी डबल रोल और साल 2017 में रिलीज हुई फिल्म मार्शल में ट्रिपल रोल में नजर आ चुके हैं। जिन लोगों ने विजय की फिल्म बिगिल और थैरी देखी है, उन्होंने जरूर नोटिस किया होगा कि बिगिल में कुछ सीन थैरी से कॉपी किया गया है। अब बात करें इस फिल्म के OTT रिलीज को लेकर, तो इस फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इस फिल्म को फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं, वो भी फ्री में अगर आपके पास प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है। थलपति विजय की फिल्म बिगिल देखने से पहले जाने यहाँ फिल्म की कहानी से लेकर फिल्म के रिव्यू तक, साथ ही जाने कहाँ देख सकते हैं इसे फ्री में। फिल्म की स्टोरी लाइन की बात करें तो फिल्म में जोसेफ विजय डबल रोल में नजर आए हैं। एक है माइकल जो बिगिल के नाम से भी फेमस है और दूसरा किरदार है रायप्पन का जो माइकल के पिता है। माइकल एक फुटबॉल प्लेयर रह चुका है जो बाद में फीमेल टीम का कोच बन जाता है। इसके अलावा रायप्पन एक डॉन है लेकिन दिल का बहुत अच्छा है। फिल्म की कहानी काफी हद तक शाहरुख खान की फिल्म चक दे इंडिया से मिलती जुलती है, जिसमें शाहरुख खान को एक हॉकी प्लेयर दिखाया गया था जिसे टीम से निकाल दिया जाता है और फिर वो बाद में लड़कियों की टीम का कोच बनकर इंडिया को जीत दिलवाता है। कुछ ऐसा ही किरदार बिगिल में माइकल का भी है, लेकिन अंतर बस इतना है कि वह हॉकी थी और यह फुटबॉल है।
इस फिल्म की रिलीज के बाद साउथ इंडिया में लोगों के बीच काफी अच्छा सोशल इम्पैक्ट देखने को मिला था। साउथ के कई बड़ी फुटबॉल टीम के कोच की तरफ से ये बयान आए थे कि वो लड़कियों को भी फुटबॉल की ट्रेनिंग देना शुरू कर रहे हैं। इस फिल्म को क्रिटिक्स की तरफ से मिक्स रिव्यू मिले थे। इसके अलावा पॉपुलर वेबसाइट IMDb ने भी इस फिल्म को 10 में से 6.8 की रेटिंग दिए थे। बता दें, फिल्म की बड़ी लेंथ को लेकर कुछ नेगेटिव रिव्यू भी दिए गए थे, क्योंकि इस फिल्म को ड्यूरेशन है 2 घंटे और 59 मिनट, जिसके चलते फिल्म को ऑडियंस की तरफ से भी नेगेटिव रिव्यू का सामना करना पड़ा था। देखा जाए तो प्रेजेंट में 3 घंटे की फिल्म कोई भी नहीं देखना चाहेगा। ये भी फिल्म का एक ही वीक पॉइंट रहा है। इसके अलावा ज्यादा बजट होने की वजह से भी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर नहीं हो पाई, लेकिन अपना बजट निकालने में जरूर कामयाब रही। बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म को हिट घोषित किया गया था। फिल्म के बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के आंकड़े कुछ इस प्रकार है। बिगल मूवी बजट 180 करोड़ रुपए। बिगल मूवी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इंडिया 198 करोड़ रुपए। बिगल मूवी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन वर्ल्ड वाइड 300 करोड़ रुपए। अब बात करें इस फिल्म की OTT रिलीज को लेकर, तो इस फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इस फिल्म को फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर जाकर देख सकते हैं, वो भी फ्री, अगर आपके पास प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है। अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म रही है बिगल। जाने फिल्म का टोटल कलेक्शन, साथ ही जाने कहा देखे इसे फ्री में। थलपति विजय तमिल फिल्म उद्योग के सबसे बड़े सुपरस्टार में से एक है। उनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर राज करती है और एक के बाद एक बड़े पर्दे पर हिट होने के बाद प्रशंसक उनकी अगली फिल्म का बेसब्री से इंतजार करते हैं। 2019 में उन्हें बिगिल नामक फिल्म में देखा गया था, जिसमें लेडी सुपरस्टार नयनतारा भी मुख्य भूमिका में थी। ये विजय की अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म है। फिल्म ने दुनिया भर में बॉक्स ऑफिस पर 295.28 करोड़ रुपए कमाए। बिगल का निर्देशन इटली ने किया था और यहाँ तक की 2017 की रिलीज मार्शल का निर्देशन भी फिल्म निर्माता ने किया था। फिल्म ने दुनिया भर में बॉक्स ऑफिस पर 260 करोड़ रुपए कमाए। विजय, कीर्ति सुरेश और बरलक्ष्मी शरद कुमार अभिनीत AR मुरुगदस की सरकार बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर रही। फिल्म का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 252 करोड़ रुपए रहा। विजय स्टारर मास्टर महामारी के बीच बॉक्स ऑफिस पर धूम मचाने वाली पहली फिल्मों में से एक थी। लोकेश कनगराज निर्देशित इस फिल्म ने दुनिया भर में बॉक्स ऑफिस पर 223 करोड़ रुपए कमाए। विजय की हालिया रिलीज बीस्ट को नकारात्मक समीक्षा मिली, लेकिन इसने बॉक्स ऑफिस पर बम्पर ओपनिंग ली। हालांकि फिल्म की गति धीमी हो गई और अब तक इसने 10 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है। दुनिया भर में बॉक्स ऑफिस पर 145 करोड़ रुपए है। वही अगर बात करें फिल्म बीगल की OTT रिलीज को लेकर, तो इस फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दिया गया है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है। क्या दर्शकों को पसंद आई थलपति विजय की फिल्म बिगिल? कहां देख सकते हैं इसे फ्री में? फिल्म बिगिल से दर्शकों को काफी उम्मीदें थी, क्योंकि इसमें साउथ के सुपरस्टार और नयनतारा की जोड़ी एक साथ नजर आई। वही फिल्म में विजय को डबल रोल देखने का भी सभी को बेसब्री से इंतजार रहा था, लेकिन जब इसकी स्क्रीनिंग हुई तो इसकी कहानी में फीकापन नजर आया। फिल्म समीक्षकों ने भी इसे मिला जुला रिस्पॉन्स मिला, वही विजय के फैंस भी नाखुश नजर आए। अगर आप बिगल देखने का प्लान कर रहे हो तो इससे पहले जान लीजिए बिगल का रिव्यू। बिगल फिल्म के रिलीज के समय इसकी कहानी पर चोरी के आरोप भी लगाए गए थे। तेलुगु फिल्म मेकर नंदी चिन्नी कुमार ने मेकर्स के खिलाफ हैदराबाद कोर्ट में केस भी दर्ज करवाया था। इस पर फैसला आने में काफी टाइम लग गया था और अब तक ये फिल्म काफी सिनेमाघरों में हट भी चुकी थी। हालांकि इसी बीच इस फिल्म की डिजिटल राइट्स अमेज़न प्राइम ने खरीद लिए थे, लेकिन मद्रास हाई कोर्ट ने फिल्म की ऑनलाइन स्ट्रीमिंग पर रोक लगा दी थी। आखिरकार दिसंबर 2019 में हैदराबाद कोर्ट ने दोनों पार्टी के बीच सेटलमेंट करवाया। इस फिल्म में नयनतारा और विजय दूसरी बार एक साथ नजर आए थे।
इससे पहले इन दोनों को साल 2009 में रिलीज हुई फिल्म बिल्लू में एक साथ देखा गया था। इसके अलावा बिगल विजय की करियर की चौथी ऐसी फिल्म थी जिसमें उन्होंने मल्टीपल रोल प्ले किया है। इससे पहले विजय साल 2007 में रिलीज हुई फिल्म अजागिया तमिल मगन में डबल रोल, साल 2014 में रिलीज हुई फिल्म कत्थी में भी डबल रोल और साल 2017 में रिलीज हुई फिल्म मार्शल में ट्रिपल रोल में नजर आ चुके हैं। जिन लोगों ने विजय की फिल्म बिगल और थैरी देखी है उन्होंने जरूर नोटिस किया होगा कि बिगल में कुछ सीन थैरी से कॉपी किया गया है। अब बात करें इस फिल्म के OTT रिलीज को लेकर, तो इस फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इस फिल्म को फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं, वो भी फ्री में अगर आपके पास प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है। थलापति विजय की फिल्म बिगल देखने से पहले जाने यहाँ फिल्म की कहानी से लेकर फिल्म के रिव्यू तक, साथ ही जाने कहाँ देख सकते हैं इसे फ्री में। फिल्म की स्टोरी लाइन की बात करें तो फिल्म में जोसेफ विजय डबल रोल में नजर आए हैं। एक है माइकल जो बिगल के नाम से भी फेमस है और दूसरा किरदार है रायप्पन का जो माइकल के पिता है। माइकल एक फुटबॉल प्लेयर रह चुका है जो बाद में फीमेल टीम का कोच बन जाता है। इसके अलावा रायप्पन एक डॉन है लेकिन दिल का बहुत अच्छा है। फिल्म की कहानी काफी हद तक शाहरुख खान की फिल्म चक दे इंडिया से मिलती जुलती है, जिसमें शाहरुख खान को एक हॉकी प्लेयर दिखाया गया था जिसे टीम से निकाल दिया जाता है और फिर वो बाद में लड़कियों की टीम का कोच बनकर इंडिया को जीत दिलवाता है। कुछ ऐसा ही किरदार बिगल में माइकल का भी है, लेकिन अंतर बस इतना है कि वह हॉकी थी और यह फुटबॉल है। इस फिल्म की रिलीज के बाद साउथ इंडिया में लोगों के बीच काफी अच्छा सोशल इम्पैक्ट देखने को मिला था। साउथ के कई बड़ी फुटबॉल टीम के कोच की तरफ से ये बयान आए थे कि वो लड़कियों को भी फुटबॉल की ट्रेनिंग देना शुरू कर रहे हैं। इस फिल्म को क्रिटिक्स की तरफ से मिक्स रिव्यू मिले थे। इसके अलावा पॉपुलर वेबसाइट IMDb ने भी इस फिल्म को 10 में से 6.8 की रेटिंग दिए थे। बता दें फिल्म की बड़ी लेंथ को लेकर कुछ नेगेटिव रिव्यू भी दिए गए थे क्योंकि इस फिल्म को ड्यूरेशन है 2 घंटे और 59 मिनट, जिसके चलते फिल्म को ऑडियंस की तरफ से भी नेगेटिव रिव्यू का सामना करना पड़ा था। देखा जाए तो प्रेजेंट में 3 घंटे की फिल्म कोई भी नहीं देखना चाहेगा। ये भी फिल्म का एक ही वीक पॉइंट रहा है। इसके अलावा ज्यादा बजट होने की वजह से भी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर नहीं हो पाई, लेकिन अपना बजट निकालने में जरूर कामयाब रही। बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म को हिट घोषित किया गया था। फिल्म के बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के आंकड़े कुछ इस प्रकार है। बिगल मूवी बजट 180 करोड़ रुपए, बिगल मूवी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इंडिया 198 करोड़ रुपए, बिगल मूवी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन वर्ल्ड वाइड 300 करोड़ रुपए। अब बात करें इस फिल्म की OTT रिलीज को लेकर, तो इस फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इस फिल्म को फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर जाकर देख सकते हैं, वो भी फ्री अगर आपके पास प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है। अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म रही है बिगल। जाने फिल्म का टोटल कलेक्शन, साथ ही जाने कहा देखे इसे फ्री में। थलापति विजय तमिल फिल्म उद्योग के सबसे बड़े सुपरस्टार में से एक है। उनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर राज करती है और एक के बाद एक बड़े पर्दे पर हिट होने के बाद प्रशंसक उनकी अगली फिल्म का बेसब्री से इंतजार करते हैं। 2019 में उन्हें बिगल नामक फिल्म में देखा गया था जिसमें लेडी सुपरस्टार नयनतारा भी मुख्य भूमिका में थी। ये विजय की अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म है। फिल्म ने दुनिया भर में बॉक्स ऑफिस पर 295.28 करोड़ रुपए कमाए। बिगल का निर्देशन इटली ने किया था और यहाँ तक की 2017 की रिलीज मार्शल का निर्देशन भी फिल्म निर्माता ने किया था। फिल्म ने दुनिया भर में बॉक्स ऑफिस पर 260 करोड़ रुपए कमाए। विजय, कीर्ति सुरेश और बरलक्ष्मी शरद कुमार अभिनीत AR मुरुगदस की सरकार बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर रही। फिल्म का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 252 करोड़ रुपए रहा। विजय स्टारर मास्टर महामारी के बीच बॉक्स ऑफिस पर धूम मचाने वाली पहली फिल्मों में से एक थी। लोकेश कनगराज निर्देशित इस फिल्म ने दुनिया भर में बॉक्स ऑफिस पर 223 करोड़ रुपए कमाए।
विजय की हालिया रिलीज बीस्ट को नकारात्मक समीक्षा मिली, लेकिन इसने बॉक्स ऑफिस पर बम्पर ओपनिंग ली। हालांकि फिल्म की गति धीमी हो गई और अब तक इसने 10 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है। दुनिया भर में बॉक्स ऑफिस पर 145 करोड़ रुपए है। वहीं अगर बात करें फिल्म बीगल की ओटीटी रिलीज को लेकर, तो इस फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दिया गया है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है। क्या दर्शकों को पसंद आई थलपति विजय की फिल्म बिगिल? कहां देख सकते हैं इसे फ्री में? फिल्म बिगिल से दर्शकों को काफी उम्मीदें थी, क्योंकि इसमें साउथ के सुपरस्टार और नयनतारा की जोड़ी एक साथ नजर आई। वहीं फिल्म में विजय को डबल रोल देखने का भी सभी को बेसब्री से इंतजार रहा था, लेकिन जब इसकी स्क्रीनिंग हुई तो इसकी कहानी में फीकापन नजर आया। फिल्म समीक्षकों ने भी इसे मिला जुला रिस्पॉन्स मिला, वहीं विजय के फैंस भी नाखुश नजर आए। अगर आप बिगिल देखने का प्लान कर रहे हो तो इससे पहले जान लीजिए बिगिल का रिव्यू। बिगिल फिल्म के रिलीज के समय इसकी कहानी पर चोरी के आरोप भी लगाए गए थे। तेलुगु फिल्म मेकर नंदी चिन्नी कुमार ने मेकर्स के खिलाफ हैदराबाद कोर्ट में केस भी दर्ज करवाया था। इस पर फैसला आने में काफी टाइम लग गया था और अब तक ये फिल्म काफी सिनेमाघरों में हट भी चुकी थी। हालांकि इसी बीच इस फिल्म की डिजिटल राइट्स अमेज़न प्राइम ने खरीद लिए थे, लेकिन मद्रास हाई कोर्ट ने फिल्म की ऑनलाइन स्ट्रीमिंग पर रोक लगा दी थी। आखिरकार दिसंबर 2019 में हैदराबाद कोर्ट ने दोनों पार्टी के बीच सेटलमेंट करवाया। इस फिल्म में नयनतारा और विजय दूसरी बार एक साथ नजर आए थे। इससे पहले इन दोनों को साल 2009 में रिलीज हुई फिल्म बिल्लू में एक साथ देखा गया था। इसके अलावा बिगल विजय की करियर की चौथी ऐसी फिल्म थी जिसमें उन्होंने मल्टीपल रोल प्ले किया है। इससे पहले विजय साल 2007 में रिलीज हुई फिल्म अजागिया तमिल मगन में डबल रोल, साल 2014 में रिलीज हुई फिल्म कत्थी में भी डबल रोल और साल 2017 में रिलीज हुई फिल्म मार्शल में ट्रिपल रोल में नजर आ चुके हैं। जिन लोगों ने विजय की फिल्म बिगिल और थैरी देखी है, उन्होंने जरूर नोटिस किया होगा कि बिगिल में कुछ सीन थैरी से कॉपी किया गया है। अब बात करें इस फिल्म के ओटीटी रिलीज को लेकर, तो इस फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इस फिल्म को फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं, वो भी फ्री में अगर आपके पास प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है। थलपति विजय की फिल्म बिगिल देखने से पहले जाने यहाँ फिल्म की कहानी से लेकर फिल्म के रिव्यू तक, साथ ही जाने कहाँ देख सकते हैं इसे फ्री में। फिल्म की स्टोरी लाइन की बात करें तो फिल्म में जोसेफ विजय डबल रोल में नजर आए हैं। एक है माइकल जो बिगिल के नाम से भी फेमस है और दूसरा किरदार है रायप्पन का जो माइकल के पिता है। माइकल एक फुटबॉल प्लेयर रह चुका है जो बाद में फीमेल टीम का कोच बन जाता है। इसके अलावा रायप्पन एक डॉन है लेकिन दिल का बहुत अच्छा है। फिल्म की कहानी काफी हद तक शाहरुख खान की फिल्म चक दे इंडिया से मिलती जुलती है, जिसमें शाहरुख खान को एक हॉकी प्लेयर दिखाया गया था जिसे टीम से निकाल दिया जाता है और फिर वो बाद में लड़कियों की टीम का कोच बनकर इंडिया को जीत दिलवाता है। कुछ ऐसा ही किरदार बिगिल में माइकल का भी है, लेकिन अंतर बस इतना है कि वह हॉकी थी और यह फुटबॉल है। इस फिल्म की रिलीज के बाद साउथ इंडिया में लोगों के बीच काफी अच्छा सोशल इम्पैक्ट देखने को मिला था। साउथ के कई बड़ी फुटबॉल टीम के कोच की तरफ से ये बयान आए थे कि वो लड़कियों को भी फुटबॉल की ट्रेनिंग देना शुरू कर रहे हैं। इस फिल्म को क्रिटिक्स की तरफ से मिक्स रिव्यू मिले थे। इसके अलावा पॉपुलर वेबसाइट IMDb ने भी इस फिल्म को 10 में से 6.8 की रेटिंग दिए थे। बता दें फिल्म की बड़ी लेंथ को लेकर कुछ नेगेटिव रिव्यू भी दिए गए थे, क्योंकि इस फिल्म को ड्यूरेशन है 2 घंटे और 59 मिनट, जिसके चलते फिल्म को ऑडियंस की तरफ से भी नेगेटिव रिव्यू का सामना करना पड़ा था। देखा जाए तो प्रेजेंट में 3 घंटे की फिल्म कोई भी नहीं देखना चाहेगा। ये भी फिल्म का एक ही वीक पॉइंट रहा है। इसके अलावा ज्यादा बजट होने की वजह से भी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर नहीं हो पाई, लेकिन अपना बजट निकालने में जरूर कामयाब रही। बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म को हिट घोषित किया गया था। फिल्म के बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के आंकड़े कुछ इस प्रकार है। बिगिल मूवी बजट 180 करोड़ रुपए, बिगिल मूवी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इंडिया 180
98 करोड़ रुपए। बिगल मूवी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन वर्ल्ड वाइड 300 करोड़ रुपए। अब बात करें इस फिल्म की OTT रिलीज को लेकर, तो इस फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इस फिल्म को फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर जाकर देख सकते हैं, वो भी फ्री अगर आपके पास प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है। अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म रही है बिगल। जाने फिल्म का टोटल कलेक्शन, साथ ही जाने कहा देखे इसे फ्री में। थलपति विजय तमिल फिल्म उद्योग के सबसे बड़े सुपरस्टार में से एक है। उनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर राज करती है और एक के बाद एक बड़े पर्दे पर हिट होने के बाद प्रशंसक उनकी अगली फिल्म का बेसब्री से इंतजार करते हैं। 2019 में उन्हें बिगिल नामक फिल्म में देखा गया था, जिसमें लेडी सुपरस्टार नयनतारा भी मुख्य भूमिका में थी। ये विजय की अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म है। फिल्म ने दुनिया भर में बॉक्स ऑफिस पर 295.28 करोड़ रुपए कमाए। बिगल का निर्देशन इटली ने किया था और यहाँ तक की 2017 की रिलीज मार्शल का निर्देशन भी फिल्म निर्माता ने किया था। फिल्म ने दुनिया भर में बॉक्स ऑफिस पर 260 करोड़ रुपए कमाए। विजय, कीर्ति सुरेश और बरलक्ष्मी शरद कुमार अभिनीत AR मुरुगदस की सरकार बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर रही। फिल्म का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 252 करोड़ रुपए रहा। विजय स्टारर मास्टर महामारी के बीच बॉक्स ऑफिस पर धूम मचाने वाली पहली फिल्मों में से एक थी। लोकेश कनगराज निर्देशित इस फिल्म ने दुनिया भर में बॉक्स ऑफिस पर 223 करोड़ रुपए कमाए। विजय की हालिया रिलीज बीस्ट को नकारात्मक समीक्षा मिली, लेकिन इसने बॉक्स ऑफिस पर बम्पर ओपनिंग ली। हालांकि फिल्म की गति धीमी हो गई और अब तक इसने 10 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है। दुनिया भर में बॉक्स ऑफिस पर 145 करोड़ रुपए है। वहीं अगर बात करें फिल्म बीगल की OTT रिलीज को लेकर, तो इस फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दिया गया है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है। क्या दर्शकों को पसंद आई थलपति विजय की फिल्म बिगिल? कहां देख सकते हैं इसे फ्री में? फिल्म बिगिल से दर्शकों को काफी उम्मीदें थी, क्योंकि इसमें साउथ के सुपरस्टार और नयनतारा की जोड़ी एक साथ नजर आई। वही फिल्म में विजय को डबल रोल देखने का भी सभी को बेसब्री से इंतजार रहा था। लेकिन जब इसकी स्क्रीनिंग हुई तो इसकी कहानी में फीकापन नजर आया। फिल्म समीक्षकों ने भी इसे मिला जुला रिस्पॉन्स मिला। वही विजय के फैंस भी नाखुश नजर आए। अगर आप बिगल देखने का प्लान कर रहे हो तो इससे पहले जान लीजिए बिगल का रिव्यू। बिगल फिल्म के रिलीज के समय इसकी कहानी पर चोरी के आरोप भी लगाए गए थे। तेलुगु फिल्म मेकर नंदी चिन्नी कुमार ने मेकर्स के खिलाफ हैदराबाद कोर्ट में केस भी दर्ज करवाया था। इस पर फैसला आने में काफी टाइम लग गया था और अब तक ये फिल्म काफी सिनेमाघरों में हट भी चुकी थी। हालांकि इसी बीच इस फिल्म की डिजिटल राइट्स अमेज़न प्राइम ने खरीद लिए थे, लेकिन मद्रास हाई कोर्ट ने फिल्म की ऑनलाइन स्ट्रीमिंग पर रोक लगा दी थी। आखिरकार दिसंबर 2019 में हैदराबाद कोर्ट ने दोनों पार्टी के बीच सेटलमेंट करवाया। इस फिल्म में नयनतारा और विजय दूसरी बार एक साथ नजर आए थे। इससे पहले इन दोनों को साल 2009 में रिलीज हुई फिल्म बिल्लू में एक साथ देखा गया था। इसके अलावा बिगल विजय की करियर की चौथी ऐसी फिल्म थी जिसमें उन्होंने मल्टीपल रोल प्ले किया है। इससे पहले विजय साल 2007 में रिलीज हुई फिल्म अजागिया तमिल मगन में डबल रोल, साल 2014 में रिलीज हुई फिल्म कत्थी में भी डबल रोल और साल 2017 में रिलीज हुई फिल्म मार्शल में ट्रिपल रोल में नजर आ चुके हैं। जिन लोगों ने विजय की फिल्म बिगल और थैरी देखी है, उन्होंने जरूर नोटिस किया होगा कि बिगल में कुछ सीन थैरी से कॉपी किया गया है। अब बात करें इस फिल्म के OTT रिलीज को लेकर, तो इस फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इस फिल्म को फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं, वो भी फ्री में अगर आपके पास प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है। थलपति विजय की फिल्म बिगिल देखने से पहले जाने यहाँ फिल्म की कहानी से लेकर फिल्म के रिव्यू तक, साथ ही जाने कहाँ देख सकते है इसे फ्री में। फिल्म की स्टोरी लाइन की बात करें तो फिल्म में जोसेफ विजय डबल रोल में नजर आए हैं। एक है माइकल, जो बिगिल के नाम से भी फेमस है, और दूसरा किरदार है रायप्पन का, जो माइकल के पिता है।
माइकल एक फुटबॉल प्लेयर रह चुका है जो बाद में फीमेल टीम का कोच बन जाता है। इसके अलावा रैपन एक डॉन है लेकिन दिल का बहुत अच्छा है। फिल्म की कहानी काफी हद तक शाहरुख खान की फिल्म चक दे इंडिया से मिलती जुलती है, जिसमें शाहरुख खान को एक हॉकी प्लेयर दिखाया गया था जिसे टीम से निकाल दिया जाता है और फिर वो बाद में लड़कियों की टीम का कोच बनकर इंडिया को जीत दिलवाता है। कुछ ऐसा ही किरदार बीगल में माइकल का भी है, लेकिन अंतर बस इतना है कि वह हॉकी थी और यह फुटबॉल है। इस फिल्म की रिलीज के बाद साउथ इंडिया में लोगों के बीच काफी अच्छा सोशल इम्पैक्ट देखने को मिला था। साउथ के कई बड़ी फुटबॉल टीम के कोच की तरफ से ये बयान आए थे कि वो लड़कियों को भी फुटबॉल की ट्रेनिंग देना शुरू कर रहे हैं। इस फिल्म को क्रिटिक्स की तरफ से मिक्स रिव्यू मिले थे। इसके अलावा पॉपुलर वेबसाइट IMDb ने भी इस फिल्म को 10 में से 6.8 की रेटिंग दिए थे। बता दें फिल्म की बड़ी लेंथ को लेकर कुछ नेगेटिव रिव्यू भी दिए गए थे, क्योंकि इस फिल्म को ड्यूरेशन है 2 घंटे और 59 मिनट, जिसके चलते फिल्म को ऑडियंस की तरफ से भी नेगेटिव रिव्यू का सामना करना पड़ा था। देखा जाए तो प्रेजेंट में 3 घंटे की फिल्म कोई भी नहीं देखना चाहेगा। ये भी फिल्म का एक ही वीक पॉइंट रहा है। इसके अलावा ज्यादा बजट होने की वजह से भी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर नहीं हो पाई, लेकिन अपना बजट निकालने में जरूर कामयाब रही। बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म को हिट घोषित किया गया था। फिल्म के बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के आंकड़े कुछ इस प्रकार है। बिगल मूवी बजट 180 करोड़ रुपए, बिगल मूवी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इंडिया 198 करोड़ रुपए, बिगल मूवी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन वर्ल्ड वाइड 300 करोड़ रुपए। अब बात करें इस फिल्म की OTT रिलीज को लेकर, तो इस फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इस फिल्म को फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर जाकर देख सकते हैं, वो भी फ्री अगर आपके पास प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है। अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म रही है बिगल। जाने फिल्म का टोटल कलेक्शन साथ ही जाने कहा देखे इसे फ्री में। थलपति विजय तमिल फिल्म उद्योग के सबसे बड़े सुपरस्टार में से एक है। उनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर राज करती है और एक के बाद एक बड़े पर्दे पर हिट होने के बाद प्रशंसक उनकी अगली फिल्म का बेसब्री से इंतजार करते हैं। 2019 में उन्हें बिगिल नामक फिल्म में देखा गया था जिसमें लेडी सुपरस्टार नयनतारा भी मुख्य भूमिका में थी। ये विजय की अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म है। फिल्म ने दुनिया भर में बॉक्स ऑफिस पर 295.28 करोड़ रुपए कमाए। बिगल का निर्देशन इटली ने किया था और यहाँ तक की 2017 की रिलीज मार्शल का निर्देशन भी फिल्म निर्माता ने किया था। फिल्म ने दुनिया भर में बॉक्स ऑफिस पर 260 करोड़ रुपए कमाए। विजय, कीर्ति सुरेश और बरलक्ष्मी शरद कुमार अभिनीत AR मुरुगदस की सरकार बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर रही। फिल्म का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 252 करोड़ रुपए रहा। विजय स्टारर मास्टर महामारी के बीच बॉक्स ऑफिस पर धूम मचाने वाली पहली फिल्मों में से एक थी। लोकेश कनकराज निर्देशित इस फिल्म ने दुनिया भर में बॉक्स ऑफिस पर 223 करोड़ रुपए कमाए। विजय की हालिया रिलीज बीस्ट को नकारात्मक समीक्षा मिली, लेकिन इसने बॉक्स ऑफिस पर बम्पर ओपनिंग ली। हालांकि फिल्म की गति धीमी हो गई और अब तक इसने 10 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है। दुनिया भर में बॉक्स ऑफिस पर 145 करोड़ रुपए है। वही अगर बात करें फिल्म बीगल की OTT रिलीज को लेकर, तो इस फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दिया गया है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है। क्या दर्शकों को पसंद आई थलपति विजय की फिल्म बिगिल? कहां देख सकते हैं इसे फ्री में? फिल्म बिगिल से दर्शकों को काफी उम्मीदें थी, क्योंकि इसमें साउथ के सुपरस्टार और नयनतारा की जोड़ी एक साथ नजर आई। वही फिल्म में विजय को डबल रोल देखने का भी सभी को बेसब्री से इंतजार रहा था, लेकिन जब इसकी स्क्रीनिंग हुई तो इसकी कहानी में फीकापन नजर आया। फिल्म समीक्षकों ने भी इसे मिला जुला रिस्पांस मिला। वही विजय के फैंस भी नाखुश नजर आए। अगर आप बिगल देखने का प्लान कर रहे हो तो इससे पहले जान लीजिए बिगल का रिव्यू।
बिगल फिल्म के रिलीज के समय इसकी कहानी पर चोरी के आरोप भी लगाए गए थे। तेलुगु फिल्म मेकर नंदी चिन्नी कुमार ने मेकर्स के खिलाफ हैदराबाद कोर्ट में केस भी दर्ज करवाया था। इस पर फैसला आने में काफी टाइम लग गया था और अब तक ये फिल्म काफी सिनेमाघरों में हट भी चुकी थी। हालांकि इसी बीच इस फिल्म की डिजिटल राइट्स अमेज़न प्राइम ने खरीद लिए थे, लेकिन मद्रास हाई कोर्ट ने फिल्म की ऑनलाइन स्ट्रीमिंग पर रोक लगा दी थी। आखिरकार दिसंबर 2019 में हैदराबाद कोर्ट ने दोनों पार्टी के बीच सेटलमेंट करवाया। इस फिल्म में नयनतारा और विजय दूसरी बार एक साथ नजर आए थे। इससे पहले इन दोनों को साल 2009 में रिलीज हुई फिल्म बिल्लू में एक साथ देखा गया था। इसके अलावा बिगल विजय की करियर की चौथी ऐसी फिल्म थी जिसमें उन्होंने मल्टीपल रोल प्ले किया है। इससे पहले विजय साल 2007 में रिलीज हुई फिल्म अजागिया तमिल मगन में डबल रोल, साल 2014 में रिलीज हुई फिल्म कत्थी में भी डबल रोल और साल 2017 में रिलीज हुई फिल्म मार्शल में ट्रिपल रोल में नजर आ चुके हैं। जिन लोगों ने विजय की फिल्म बिगल और थैरी देखी है, उन्होंने जरूर नोटिस किया होगा कि बिगल में कुछ सीन थैरी से कॉपी किया गया है। अब बात करें इस फिल्म के OTT रिलीज को लेकर, तो इस फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इस फिल्म को फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं, वो भी फ्री में अगर आपके पास प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है। थलापति विजय की फिल्म बिगल देखने से पहले जाने यहाँ फिल्म की कहानी से लेकर फिल्म के रिव्यू तक, साथ ही जाने कहाँ देख सकते हैं इसे फ्री में। फिल्म की स्टोरी लाइन की बात करें तो फिल्म में जोसेफ विजय डबल रोल में नजर आए हैं। एक है माइकल जो बिगिल के नाम से भी फेमस है और दूसरा किरदार है रायप्पन का जो माइकल के पिता है। माइकल एक फुटबॉल प्लेयर रह चुका है जो बाद में फीमेल टीम का कोच बन जाता है। इसके अलावा रायप्पन एक डॉन है लेकिन दिल का बहुत अच्छा है। फिल्म की कहानी काफी हद तक शाहरुख खान की फिल्म चक दे इंडिया से मिलती जुलती है, जिसमें शाहरुख खान को एक हॉकी प्लेयर दिखाया गया था जिसे टीम से निकाल दिया जाता है और फिर वो बाद में लड़कियों की टीम का कोच बनकर इंडिया को जीत दिलवाता है। कुछ ऐसा ही किरदार बिगल में माइकल का भी है, लेकिन अंतर बस इतना है कि वह हॉकी थी और यह फुटबॉल है। इस फिल्म की रिलीज के बाद साउथ इंडिया में लोगों के बीच काफी अच्छा सोशल इम्पैक्ट देखने को मिला था। साउथ के कई बड़ी फुटबॉल टीम के कोच की तरफ से ये बयान आए थे कि वो लड़कियों को भी फुटबॉल की ट्रेनिंग देना शुरू कर रहे हैं। इस फिल्म को क्रिटिक्स की तरफ से मिक्स रिव्यू मिले थे। इसके अलावा पॉपुलर वेबसाइट IMDb ने भी इस फिल्म को 10 में से 6.8 की रेटिंग दिए थे। बता दे फिल्म की बड़ी लेंथ को लेकर कुछ नेगेटिव रिव्यू भी दिए गए थे, क्योंकि इस फिल्म को ड्यूरेशन है 2 घंटे और 59 मिनट, जिसके चलते फिल्म को ऑडियंस की तरफ से भी नेगेटिव रिव्यू का सामना करना पड़ा था। देखा जाए तो प्रेजेंट में 3 घंटे की फिल्म कोई भी नहीं देखना चाहेगा। ये भी फिल्म का एक ही वीक पॉइंट रहा है। इसके अलावा ज्यादा बजट होने की वजह से भी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर नहीं हो पाई, लेकिन अपना बजट निकालने में जरूर कामयाब रही। बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म को हिट घोषित किया गया था। फिल्म के बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के आंकड़े कुछ इस प्रकार है। बिगल मूवी बजट 180 करोड़ रुपए, बिगल मूवी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इंडिया 198 करोड़ रुपए, बिगल मूवी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन वर्ल्ड वाइड 300 करोड़ रुपए। अब बात करें इस फिल्म की OTT रिलीज को लेकर, तो इस फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इस फिल्म को फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर जाकर देख सकते हैं, वो भी फ्री अगर आपके पास प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है। अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म रही है बिगल। जाने फिल्म का टोटल कलेक्शन, साथ ही जाने कहा देखे इसे फ्री में। थलापति विजय तमिल फिल्म उद्योग के सबसे बड़े सुपरस्टार में से एक है। उनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर राज करती है और एक के बाद एक बड़े पर्दे पर हिट होने के बाद प्रशंसक उनकी अगली फिल्म का बेसब्री से इंतजार करते हैं। 2019 में उन्हें बिगिल नामक फिल्म में देखा गया था जिसमें लेडी सुपरस्टार नयनतारा भी मुख्य भूमिका में थी। ये विजय की अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म है। फिल्म ने दुनिया भर में बॉक्स ऑफिस पर 295.28 करोड़ रुपए कमाए।
बिगल का निर्देशन इटली ने किया था और यहां तक कि 2017 की रिलीज मार्शल का निर्देशन भी फिल्म निर्माता ने किया था। फिल्म ने दुनिया भर में बॉक्स ऑफिस पर 260 करोड़ रुपए कमाए। विजय, कीर्ति सुरेश और बरलक्ष्मी शरद कुमार अभिनीत एआर मुरुगदस की सरकार बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर रही। फिल्म का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 252 करोड़ रुपए रहा। विजय स्टारर मास्टर महामारी के बीच बॉक्स ऑफिस पर धूम मचाने वाली पहली फिल्मों में से एक थी। लोकेश कनकराज निर्देशित इस फिल्म ने दुनिया भर में बॉक्स ऑफिस पर 223 करोड़ रुपए कमाए। विजय की हालिया रिलीज बीस्ट को नकारात्मक समीक्षा मिली, लेकिन इसने बॉक्स ऑफिस पर बम्पर ओपनिंग ली। हालांकि फिल्म की गति धीमी हो गई और अब तक इसने 10 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है। दुनिया भर में बॉक्स ऑफिस पर 145 करोड़ रुपए है। वही अगर बात करें फिल्म बीगल की ओटीटी रिलीज को लेकर, तो इस फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दिया गया है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर फ्री में देख सकते हैं। अगर आपके पास प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है। क्या दर्शकों को पसंद आई थलपति विजय की फिल्म बिगिल? कहां देख सकते हैं इसे फ्री में? फिल्म बिगिल से दर्शकों को काफी उम्मीदें थी, क्योंकि इसमें साउथ के सुपरस्टार और नयनतारा की जोड़ी एक साथ नजर आई। वही फिल्म में विजय को डबल रोल देखने का भी सभी को बेसब्री से इंतजार रहा था, लेकिन जब इसकी स्क्रीनिंग हुई तो इसकी कहानी में फीकापन नजर आया। फिल्म समीक्षकों ने भी इसे मिला जुला रिस्पॉन्स मिला। वही विजय के फैंस भी नाखुश नजर आए। अगर आप बिगिल देखने का प्लान कर रहे हो तो इससे पहले जान लीजिए बिगिल का रिव्यू। बिगिल फिल्म के रिलीज के समय इसकी कहानी पर चोरी के आरोप भी लगाए गए थे। तेलुगु फिल्म मेकर नंदी चिन्नी कुमार ने मेकर्स के खिलाफ हैदराबाद कोर्ट में केस भी दर्ज करवाया था। इस पर फैसला आने में काफी टाइम लग गया था और अब तक ये फिल्म काफी सिनेमाघरों में हट भी चुकी थी। हालांकि इसी बीच इस फिल्म की डिजिटल राइट्स अमेज़न प्राइम ने खरीद लिए थे, लेकिन मद्रास हाई कोर्ट ने फिल्म की ऑनलाइन स्ट्रीमिंग पर रोक लगा दी थी। आखिरकार दिसंबर 2019 में हैदराबाद कोर्ट ने दोनों पार्टी के बीच सेटलमेंट करवाया। इस फिल्म में नयनतारा और विजय दूसरी बार एक साथ नजर आए थे। इससे पहले इन दोनों को साल 2009 में रिलीज हुई फिल्म बिल्लू में एक साथ देखा गया था। इसके अलावा बिगल विजय की करियर की चौथी ऐसी फिल्म थी जिसमें उन्होंने मल्टीपल रोल प्ले किया है। इससे पहले विजय साल 2007 में रिलीज हुई फिल्म अजागिया तमिल मगन में डबल रोल, साल 2014 में रिलीज हुई फिल्म कत्थी में भी डबल रोल और साल 2017 में रिलीज हुई फिल्म मार्शल में ट्रिपल रोल में नजर आ चुके हैं। जिन लोगों ने विजय की फिल्म बिगिल और थैरी देखी है, उन्होंने जरूर नोटिस किया होगा कि बिगिल में कुछ सीन थैरी से कॉपी किया गया है। अब बात करें इस फिल्म के ओटीटी रिलीज को लेकर, तो इस फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इस फिल्म को फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं, वो भी फ्री में अगर आपके पास प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है। थलपति विजय की फिल्म बिगिल देखने से पहले जाने यहाँ फिल्म की कहानी से लेकर फिल्म के रिव्यू तक, साथ ही जाने कहाँ देख सकते हैं इसे फ्री में। फिल्म की स्टोरी लाइन की बात करें तो फिल्म में जोसेफ विजय डबल रोल में नजर आए हैं। एक है माइकल जो बिगिल के नाम से भी फेमस है और दूसरा किरदार है रायप्पन का जो माइकल के पिता है। माइकल एक फुटबॉल प्लेयर रह चुका है जो बाद में फीमेल टीम का कोच बन जाता है। इसके अलावा रायप्पन एक डॉन है लेकिन दिल का बहुत अच्छा है। फिल्म की कहानी काफी हद तक शाहरुख खान की फिल्म चक दे इंडिया से मिलती जुलती है, जिसमें शाहरुख खान को एक हॉकी प्लेयर दिखाया गया था जिसे टीम से निकाल दिया जाता है और फिर वो बाद में लड़कियों की टीम का कोच बनकर इंडिया को जीत दिलवाता है। कुछ ऐसा ही किरदार बिगिल में माइकल का भी है, लेकिन अंतर बस इतना है कि वह हॉकी थी और यह फुटबॉल है। इस फिल्म की रिलीज के बाद साउथ इंडिया में लोगों के बीच काफी अच्छा सोशल इम्पैक्ट देखने को मिला था। साउथ के कई बड़ी फुटबॉल टीम के कोच की तरफ से ये बयान आए थे कि वो लड़कियों को भी फुटबॉल की ट्रेनिंग देना शुरू कर रहे हैं। इस फिल्म को क्रिटिक्स की तरफ से मिक्स रिव्यू मिले थे। इसके अलावा पॉपुलर वेबसाइट IMDb ने भी इस फिल्म को 10 में से 6.8 की रेटिंग दिए थे। बता दे फिल्म की बड़ी लेंथ को लेकर कुछ नेगेटिव रिव्यू भी दिए गए थे, क्योंकि इस फिल्म को
ड्यूरेशन है 2 घंटे और 59 मिनट, जिसके चलते फिल्म को ऑडियंस की तरफ से भी नेगेटिव रिव्यू का सामना करना पड़ा था। देखा जाए तो प्रेजेंट में 3 घंटे की फिल्म कोई भी नहीं देखना चाहेगा। ये भी फिल्म का एक ही वीक पॉइंट रहा है। इसके अलावा ज्यादा बजट होने की वजह से भी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर नहीं हो पाई, लेकिन अपना बजट निकालने में जरूर कामयाब रही। बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म को हिट घोषित किया गया था। फिल्म के बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के आंकड़े कुछ इस प्रकार है। बिगल मूवी बजट 180 करोड़ रुपए, बिगल मूवी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इंडिया 198 करोड़ रुपए, बिगल मूवी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन वर्ल्ड वाइड 300 करोड़ रुपए। अब बात करें इस फिल्म की ओटीटी रिलीज को लेकर, तो इस फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इस फिल्म को फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर जाकर देख सकते हैं, वो भी फ्री अगर आपके पास प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है। अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म रही है बिगल। जाने फिल्म का टोटल कलेक्शन, साथ ही जाने कहा देखे इसे फ्री में। थलपति विजय तमिल फिल्म उद्योग के सबसे बड़े सुपरस्टार में से एक है। उनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर राज करती है और एक के बाद एक बड़े पर्दे पर हिट होने के बाद प्रशंसक उनकी अगली फिल्म का बेसब्री से इंतजार करते हैं। 2019 में उन्हें बिगिल नामक फिल्म में देखा गया था, जिसमें लेडी सुपरस्टार नयनतारा भी मुख्य भूमिका में थी। ये विजय की अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म है। फिल्म ने दुनिया भर में बॉक्स ऑफिस पर 295.28 करोड़ रुपए कमाए। बिगल का निर्देशन इटली ने किया था और यहाँ तक की 2017 की रिलीज मार्शल का निर्देशन भी फिल्म निर्माता ने किया था। फिल्म ने दुनिया भर में बॉक्स ऑफिस पर 260 करोड़ रुपए कमाए। विजय, कीर्ति सुरेश और बरलक्ष्मी शरद कुमार अभिनीत एआर मुरुगदस की सरकार बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर रही। फिल्म का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 252 करोड़ रुपए रहा। विजय स्टारर मास्टर महामारी के बीच बॉक्स ऑफिस पर धूम मचाने वाली पहली फिल्मों में से एक थी। लोकेश कनगराज निर्देशित इस फिल्म ने दुनिया भर में बॉक्स ऑफिस पर 223 करोड़ रुपए कमाए। विजय की हालिया रिलीज बीस्ट को नकारात्मक समीक्षा मिली, लेकिन इसने बॉक्स ऑफिस पर बम्पर ओपनिंग ली। हालांकि फिल्म की गति धीमी हो गई और अब तक इसने 10 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है। दुनिया भर में बॉक्स ऑफिस पर 145 करोड़ रुपए है। वही अगर बात करें फिल्म बीगल की ओटीटी रिलीज को लेकर, तो इस फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दिया गया है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है। क्या दर्शकों को पसंद आई थलपति विजय की फिल्म बिगिल? कहां देख सकते हैं इसे फ्री में? फिल्म बिगिल से दर्शकों को काफी उम्मीदें थी, क्योंकि इसमें साउथ के सुपरस्टार और नयनतारा की जोड़ी एक साथ नजर आई। वही फिल्म में विजय को डबल रोल देखने का भी सभी को बेसब्री से इंतजार रहा था, लेकिन जब इसकी स्क्रीनिंग हुई तो इसकी कहानी में फीकापन नजर आया। फिल्म समीक्षकों ने भी इसे मिला जुला रिस्पॉन्स मिला, वही विजय के फैंस भी नाखुश नजर आए। अगर आप बिगल देखने का प्लान कर रहे हो तो इससे पहले जान लीजिए बिगल का रिव्यू। बिगल फिल्म के रिलीज के समय इसकी कहानी पर चोरी के आरोप भी लगाए गए थे। तेलुगु फिल्म मेकर नंदी चिन्नी कुमार ने मेकर्स के खिलाफ हैदराबाद कोर्ट में केस भी दर्ज करवाया था। इस पर फैसला आने में काफी टाइम लग गया था और अब तक ये फिल्म काफी सिनेमाघरों में हट भी चुकी थी। हालांकि इसी बीच इस फिल्म की डिजिटल राइट्स अमेज़न प्राइम ने खरीद लिए थे, लेकिन मद्रास हाई कोर्ट ने फिल्म की ऑनलाइन स्ट्रीमिंग पर रोक लगा दी थी। आखिरकार दिसंबर 2019 में हैदराबाद कोर्ट ने दोनों पार्टी के बीच सेटलमेंट करवाया। इस फिल्म में नयनतारा और विजय दूसरी बार एक साथ नजर आए थे। इससे पहले इन दोनों को साल 2009 में रिलीज हुई फिल्म बिल्लू में एक साथ देखा गया था। इसके अलावा बिगल विजय की करियर की चौथी ऐसी फिल्म थी जिसमें उन्होंने मल्टीपल रोल प्ले किया है। इससे पहले विजय साल 2007 में रिलीज हुई फिल्म अजागिया तमिल मगन में डबल रोल, साल 2014 में रिलीज हुई फिल्म कत्थी में भी डबल रोल और साल 2017 में रिलीज हुई फिल्म मार्शल में ट्रिपल रोल में नजर आ चुके हैं। जिन लोगों ने विजय की फिल्म बिगल और थैरी देखी है, उन्होंने जरूर नोटिस किया होगा कि बिगल में कुछ सीन थैरी से कॉपी किया गया है।
अब बात करें इस फिल्म के OTT रिलीज को लेकर, तो इस फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इस फिल्म को फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं, वो भी फ्री में अगर आपके पास प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है। थलापति विजय की फिल्म बिगिल देखने से पहले जाने यहाँ फिल्म की कहानी से लेकर फिल्म के रिव्यू तक, साथ ही जाने कहाँ देख सकते हैं इसे फ्री में। फिल्म की स्टोरी लाइन की बात करें तो फिल्म में जोसेफ विजय डबल रोल में नजर आए हैं। एक है माइकल जो बिगिल के नाम से भी फेमस है, और दूसरा किरदार है रायप्पन का जो माइकल के पिता है। माइकल एक फुटबॉल प्लेयर रह चुका है जो बाद में फीमेल टीम का कोच बन जाता है। इसके अलावा रायप्पन एक डॉन है लेकिन दिल का बहुत अच्छा है। फिल्म की कहानी काफी हद तक शाहरुख खान की फिल्म चक दे इंडिया से मिलती जुलती है, जिसमें शाहरुख खान को एक हॉकी प्लेयर दिखाया गया था जिसे टीम से निकाल दिया जाता है और फिर वो बाद में लड़कियों की टीम का कोच बनकर इंडिया को जीत दिलवाता है। कुछ ऐसा ही किरदार बिगिल में माइकल का भी है, लेकिन अंतर बस इतना है कि वह हॉकी थी और यह फुटबॉल है। इस फिल्म की रिलीज के बाद साउथ इंडिया में लोगों के बीच काफी अच्छा सोशल इम्पैक्ट देखने को मिला था। साउथ के कई बड़ी फुटबॉल टीम के कोच की तरफ से ये बयान आए थे कि वो लड़कियों को भी फुटबॉल की ट्रेनिंग देना शुरू कर रहे हैं। इस फिल्म को क्रिटिक्स की तरफ से मिक्स रिव्यू मिले थे। इसके अलावा पॉपुलर वेबसाइट IMDb ने भी इस फिल्म को 10 में से 6.8 की रेटिंग दिए थे। बता दें फिल्म की बड़ी लेंथ को लेकर कुछ नेगेटिव रिव्यू भी दिए गए थे, क्योंकि इस फिल्म को ड्यूरेशन है 2 घंटे और 59 मिनट, जिसके चलते फिल्म को ऑडियंस की तरफ से भी नेगेटिव रिव्यू का सामना करना पड़ा था। देखा जाए तो प्रेजेंट में 3 घंटे की फिल्म कोई भी नहीं देखना चाहेगा। ये भी फिल्म का एक ही वीक पॉइंट रहा है। इसके अलावा ज्यादा बजट होने की वजह से भी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर नहीं हो पाई, लेकिन अपना बजट निकालने में जरूर कमियां रही। बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म को हिट घोषित किया गया था। फिल्म के बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के आंकड़े कुछ इस प्रकार है। बिगल मूवी बजट 180 करोड़ रुपए, बिगल मूवी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इंडिया 198 करोड़ रुपए, बिगल मूवी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन वर्ल्ड वाइड 300 करोड़ रुपए। अब बात करें इस फिल्म की OTT रिलीज को लेकर, तो इस फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इस फिल्म को फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर जाकर देख सकते हैं, वो भी फ्री अगर आपके पास प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है। अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म रही है बिगिल। जाने फिल्म का टोटल कलेक्शन, साथ ही जाने कहा देखे इसे फ्री में। थलापति विजय तमिल फिल्म उद्योग के सबसे बड़े सुपरस्टार में से एक है। उनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर राज करती है और एक के बाद एक बड़े पर्दे पर हिट होने के बाद प्रशंसक उनकी अगली फिल्म का बेसब्री से इंतजार करते हैं। 2019 में उन्हें बिगिल नामक फिल्म में देखा गया था, जिसमें लेडी सुपरस्टार नयनतारा भी मुख्य भूमिका में थी। ये विजय की अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म है। फिल्म ने दुनिया भर में बॉक्स ऑफिस पर 295.28 करोड़ रुपए कमाए। बिगिल का निर्देशन इटली ने किया था और यहाँ तक की 2017 की रिलीज मार्शल का निर्देशन भी फिल्म निर्माता ने किया था। फिल्म ने दुनिया भर में बॉक्स ऑफिस पर 260 करोड़ रुपए कमाए। विजय, कीर्ति सुरेश और बरलक्ष्मी शरद कुमार अभिनीत AR मुरुगदस की सरकार बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर रही। फिल्म का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 252 करोड़ रुपए रहा। विजय स्टारर मास्टर महामारी के बीच बॉक्स ऑफिस पर धूम मचाने वाली पहली फिल्मों में से एक थी। लोकेश कनगराज निर्देशित इस फिल्म ने दुनिया भर में बॉक्स ऑफिस पर 223 करोड़ रुपए कमाए। विजय की हालिया रिलीज बीस्ट को नकारात्मक समीक्षा मिली, लेकिन इसने बॉक्स ऑफिस पर बम्पर ओपनिंग ली। हालांकि फिल्म की गति धीमी हो गई और अब तक इसने 10 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है। दुनिया भर में बॉक्स ऑफिस पर 145 करोड़ रुपए है। वही अगर बात करें फिल्म बिगिल की OTT रिलीज को लेकर, तो इस फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दिया गया है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है।
क्या दर्शकों को पसंद आई थलपति विजय की फिल्म बिगिल? कहां देख सकते हैं इसे फ्री में? फिल्म बिगिल से दर्शकों को काफी उम्मीदें थी क्योंकि इसमें साउथ के सुपरस्टार और नयनतारा की जोड़ी एक साथ नजर आई। वही फिल्म में विजय को डबल रोल देखने का भी सभी को बेसब्री से इंतजार रहा था, लेकिन जब इसकी स्क्रीनिंग हुई तो इसकी कहानी में फीकापन नजर आया। फिल्म समीक्षकों ने भी इसे मिला जुला रिस्पॉन्स मिला, वही विजय के फैंस भी नाखुश नजर आए। अगर आप बिगिल देखने का प्लान कर रहे हो तो इससे पहले जान लीजिए बिगिल का रिव्यू। बिगिल फिल्म के रिलीज के समय इसकी कहानी पर चोरी के आरोप भी लगाए गए थे। तेलुगु फिल्म मेकर नंदी चिन्नी कुमार ने मेकर्स के खिलाफ हैदराबाद कोर्ट में केस भी दर्ज करवाया था। इस पर फैसला आने में काफी टाइम लग गया था और अब तक ये फिल्म काफी सिनेमाघरों में हट भी चुकी थी। हालांकि इसी बीच इस फिल्म की डिजिटल राइट्स अमेज़न प्राइम ने खरीद लिए थे, लेकिन मद्रास हाई कोर्ट ने फिल्म की ऑनलाइन स्ट्रीमिंग पर रोक लगा दी थी। आखिरकार दिसंबर 2019 में हैदराबाद कोर्ट ने दोनों पार्टी के बीच सेटलमेंट करवाया। इस फिल्म में नयनतारा और विजय दूसरी बार एक साथ नजर आए थे। इससे पहले इन दोनों को साल 2009 में रिलीज हुई फिल्म बिल्लू में एक साथ देखा गया था। इसके अलावा बिगल विजय की करियर की चौथी ऐसी फिल्म थी जिसमें उन्होंने मल्टीपल रोल प्ले किया है। इससे पहले विजय साल 2007 में रिलीज हुई फिल्म अजागिया तमिल मगन में डबल रोल, साल 2014 में रिलीज हुई फिल्म कत्थी में भी डबल रोल और साल 2017 में रिलीज हुई फिल्म मार्शल में ट्रिपल रोल में नजर आ चुके हैं। जिन लोगों ने विजय की फिल्म बिगिल और थैरी देखी है उन्होंने जरूर नोटिस किया होगा कि बिगिल में कुछ सीन थैरी से कॉपी किया गया है। अब बात करें इस फिल्म के OTT रिलीज को लेकर तो इस फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इस फिल्म को फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं, वो भी फ्री में अगर आपके पास प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है। थलपति विजय की फिल्म बिगिल देखने से पहले जाने यहाँ फिल्म की कहानी से लेकर फिल्म के रिव्यू तक, साथ ही जाने कहाँ देख सकते हैं इसे फ्री में। फिल्म की स्टोरी लाइन की बात करें तो फिल्म में जोसेफ विजय डबल रोल में नजर आए हैं। एक है माइकल जो बिगिल के नाम से भी फेमस है और दूसरा किरदार है रायप्पन का जो माइकल के पिता है। माइकल एक फुटबॉल प्लेयर रह चुका है जो बाद में फीमेल टीम का कोच बन जाता है। इसके अलावा रायप्पन एक डॉन है लेकिन दिल का बहुत अच्छा है। फिल्म की कहानी काफी हद तक शाहरुख खान की फिल्म चक दे इंडिया से मिलती जुलती है, जिसमें शाहरुख खान को एक हॉकी प्लेयर दिखाया गया था जिसे टीम से निकाल दिया जाता है और फिर वो बाद में लड़कियों की टीम का कोच बनकर इंडिया को जीत दिलवाता है। कुछ ऐसा ही किरदार बिगिल में माइकल का भी है, लेकिन अंतर बस इतना है कि वह हॉकी थी और यह फुटबॉल है। इस फिल्म की रिलीज के बाद साउथ इंडिया में लोगों के बीच काफी अच्छा सोशल इम्पैक्ट देखने को मिला था। साउथ के कई बड़ी फुटबॉल टीम के कोच की तरफ से ये बयान आए थे कि वो लड़कियों को भी फुटबॉल की ट्रेनिंग देना शुरू कर रहे हैं। इस फिल्म को क्रिटिक्स की तरफ से मिक्स रिव्यू मिले थे। इसके अलावा पॉपुलर वेबसाइट IMDb ने भी इस फिल्म को 10 में से 6.8 की रेटिंग दिए थे। बता दें फिल्म की बड़ी लेंथ को लेकर कुछ नेगेटिव रिव्यू भी दिए गए थे क्योंकि इस फिल्म को ड्यूरेशन है 2 घंटे और 59 मिनट, जिसके चलते फिल्म को ऑडियंस की तरफ से भी नेगेटिव रिव्यू का सामना करना पड़ा था। देखा जाए तो प्रेजेंट में 3 घंटे की फिल्म कोई भी नहीं देखना चाहेगा। ये भी फिल्म का एक ही वीक पॉइंट रहा है। इसके अलावा ज्यादा बजट होने की वजह से भी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर नहीं हो पाई, लेकिन अपना बजट निकालने में जरूर कामयाब रही। बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म को हिट घोषित किया गया था। फिल्म के बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के आंकड़े कुछ इस प्रकार है। बिगिल मूवी बजट 180 करोड़ रुपए, बिगिल मूवी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इंडिया 198 करोड़ रुपए, बिगिल मूवी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन वर्ल्ड वाइड 300 करोड़ रुपए। अब बात करें इस फिल्म की OTT रिलीज को लेकर तो इस फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इस फिल्म को फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर जाकर देख सकते हैं, वो भी फ्री अगर आपके पास प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है। अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म रही है बिगिल। जाने फिल्म का टोटल कलेक्शन, साथ ही जाने कहा देखे इसे फ्री में।
थलपति विजय तमिल फिल्म उद्योग के सबसे बड़े सुपरस्टार में से एक है। उनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर राज करती है और एक के बाद एक बड़े पर्दे पर हिट होने के बाद प्रशंसक उनकी अगली फिल्म का बेसब्री से इंतजार करते हैं। 2019 में उन्हें बिगिल नामक फिल्म में देखा गया था, जिसमें लेडी सुपरस्टार नयनतारा भी मुख्य भूमिका में थी। ये विजय की अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म है। फिल्म ने दुनिया भर में बॉक्स ऑफिस पर 295.28 करोड़ रुपए कमाए। बिगल का निर्देशन इटली ने किया था और यहाँ तक की 2017 की रिलीज मार्शल का निर्देशन भी फिल्म निर्माता ने किया था। फिल्म ने दुनिया भर में बॉक्स ऑफिस पर 260 करोड़ रुपए कमाए। विजय, कीर्ति सुरेश और बरलक्ष्मी शरद कुमार अभिनीत A.R. मुरुगदस की सरकार बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर रही। फिल्म का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 252 करोड़ रुपए रहा। विजय स्टारर मास्टर महामारी के बीच बॉक्स ऑफिस पर धूम मचाने वाली पहली फिल्मों में से एक थी। लोकेश कनगराज निर्देशित इस फिल्म ने दुनिया भर में बॉक्स ऑफिस पर 223 करोड़ रुपए कमाए। विजय की हालिया रिलीज बीस्ट को नकारात्मक समीक्षा मिली, लेकिन इसने बॉक्स ऑफिस पर बम्पर ओपनिंग ली। हालांकि फिल्म की गति धीमी हो गई और अब तक इसने 10 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है। दुनिया भर में बॉक्स ऑफिस पर 145 करोड़ रुपए है। वहीं अगर बात करें फिल्म बीगल की OTT रिलीज को लेकर, तो इस फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दिया गया है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है। क्या दर्शकों को पसंद आई थलपति विजय की फिल्म बिगिल? कहां देख सकते हैं इसे फ्री में? फिल्म बिगिल से दर्शकों को काफी उम्मीदें थी, क्योंकि इसमें साउथ के सुपरस्टार और नयनतारा की जोड़ी एक साथ नजर आई। वही फिल्म में विजय को डबल रोल देखने का भी सभी को बेसब्री से इंतजार रहा था। लेकिन जब इसकी स्क्रीनिंग हुई तो इसकी कहानी में फीकापन नजर आया। फिल्म समीक्षकों ने भी इसे मिला जुला रिस्पॉन्स मिला। वही विजय के फैंस भी नाखुश नजर आए। अगर आप बिगिल देखने का प्लान कर रहे हो तो इससे पहले जान लीजिए बिगिल का रिव्यू। बिगिल फिल्म के रिलीज के समय इसकी कहानी पर चोरी के आरोप भी लगाए गए थे। तेलुगु फिल्म मेकर नंदी चिन्नी कुमार ने मेकर्स के खिलाफ हैदराबाद कोर्ट में केस भी दर्ज करवाया था। इस पर फैसला आने में काफी टाइम लग गया था और अब तक ये फिल्म काफी सिनेमाघरों में हट भी चुकी थी। हालांकि इसी बीच इस फिल्म की डिजिटल राइट्स अमेज़न प्राइम ने खरीद लिए थे, लेकिन मद्रास हाई कोर्ट ने फिल्म की ऑनलाइन स्ट्रीमिंग पर रोक लगा दी थी। आखिरकार दिसंबर 2019 में हैदराबाद कोर्ट ने दोनों पार्टी के बीच सेटलमेंट करवाया। इस फिल्म में नयनतारा और विजय दूसरी बार एक साथ नजर आए थे। इससे पहले इन दोनों को साल 2009 में रिलीज हुई फिल्म बिल्लू में एक साथ देखा गया था। इसके अलावा बिगल विजय की करियर की चौथी ऐसी फिल्म थी जिसमें उन्होंने मल्टीपल रोल प्ले किया है। इससे पहले विजय साल 2007 में रिलीज हुई फिल्म अजागिया तमिल मगन में डबल रोल, साल 2014 में रिलीज हुई फिल्म कत्थी में भी डबल रोल और साल 2017 में रिलीज हुई फिल्म मार्शल में ट्रिपल रोल में नजर आ चुके हैं। जिन लोगों ने विजय की फिल्म बिगिल और थैरी देखी है, उन्होंने जरूर नोटिस किया होगा कि बिगिल में कुछ सीन थैरी से कॉपी किया गया है। अब बात करें इस फिल्म के OTT रिलीज को लेकर, तो इस फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इस फिल्म को फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं, वो भी फ्री में अगर आपके पास प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है। थलपति विजय की फिल्म बिगिल देखने से पहले जाने यहाँ फिल्म की कहानी से लेकर फिल्म के रिव्यू तक, साथ ही जाने कहाँ देख सकते हैं इसे फ्री में। फिल्म की स्टोरी लाइन की बात करें तो फिल्म में जोसेफ विजय डबल रोल में नजर आए हैं। एक है माइकल जो बिगिल के नाम से भी फेमस है और दूसरा किरदार है रायप्पन का जो माइकल के पिता है। माइकल एक फुटबॉल प्लेयर रह चुका है जो बाद में फीमेल टीम का कोच बन जाता है। इसके अलावा रायप्पन एक डॉन है लेकिन दिल का बहुत अच्छा है। फिल्म की कहानी काफी हद तक शाहरुख खान की फिल्म चक दे इंडिया से मिलती जुलती है, जिसमें शाहरुख खान को एक हॉकी प्लेयर दिखाया गया था जिसे टीम से निकाल दिया जाता है और फिर वो बाद में लड़कियों की टीम का कोच बनकर इंडिया को जीत दिलवाता है। कुछ ऐसा ही किरदार बिगिल में माइकल का भी है, लेकिन अंतर बस इतना है कि वह हॉकी थी और यह फुटबॉल है।
इस फिल्म की रिलीज के बाद साउथ इंडिया में लोगों के बीच काफी अच्छा सोशल इम्पैक्ट देखने को मिला था। साउथ के कई बड़ी फुटबॉल टीम के कोच की तरफ से ये बयान आए थे कि वो लड़कियों को भी फुटबॉल की ट्रेनिंग देना शुरू कर रहे हैं। इस फिल्म को क्रिटिक्स की तरफ से मिक्स रिव्यू मिले थे। इसके अलावा पॉपुलर वेबसाइट IMDb ने भी इस फिल्म को 10 में से 6.8 की रेटिंग दिए थे। बता दें, फिल्म की बड़ी लेंथ को लेकर कुछ नेगेटिव रिव्यू भी दिए गए थे, क्योंकि इस फिल्म को ड्यूरेशन है 2 घंटे और 59 मिनट, जिसके चलते फिल्म को ऑडियंस की तरफ से भी नेगेटिव रिव्यू का सामना करना पड़ा था। देखा जाए तो प्रेजेंट में 3 घंटे की फिल्म कोई भी नहीं देखना चाहेगा। ये भी फिल्म का एक ही वीक पॉइंट रहा है। इसके अलावा ज्यादा बजट होने की वजह से भी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर नहीं हो पाई, लेकिन अपना बजट निकालने में जरूर कामयाब रही। बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म को हिट घोषित किया गया था। फिल्म के बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के आंकड़े कुछ इस प्रकार है। बिगल मूवी बजट 180 करोड़ रुपए। बिगल मूवी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इंडिया 198 करोड़ रुपए। बिगल मूवी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन वर्ल्ड वाइड 300 करोड़ रुपए। अब बात करें इस फिल्म की OTT रिलीज को लेकर, तो इस फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इस फिल्म को फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर जाकर देख सकते हैं, वो भी फ्री, अगर आपके पास प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है। अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म रही है बिगिल। जाने फिल्म का टोटल कलेक्शन, साथ ही जाने कहा देखे इसे फ्री में। थलपति विजय तमिल फिल्म उद्योग के सबसे बड़े सुपरस्टार में से एक है। उनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर राज करती है और एक के बाद एक बड़े पर्दे पर हिट होने के बाद प्रशंसक उनकी अगली फिल्म का बेसब्री से इंतजार करते हैं। 2019 में उन्हें बिगिल नामक फिल्म में देखा गया था, जिसमें लेडी सुपरस्टार नयनतारा भी मुख्य भूमिका में थी। ये विजय की अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म है। फिल्म ने दुनिया भर में बॉक्स ऑफिस पर 295.28 करोड़ रुपए कमाए। बिगल का निर्देशन इटली ने किया था और यहाँ तक की 2017 की रिलीज मार्शल का निर्देशन भी फिल्म निर्माता ने किया था। फिल्म ने दुनिया भर में बॉक्स ऑफिस पर 260 करोड़ रुपए कमाए। विजय, कीर्ति सुरेश और बरलक्ष्मी शरद कुमार अभिनीत AR मुरुगदस की सरकार बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर रही। फिल्म का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 252 करोड़ रुपए रहा। विजय स्टारर मास्टर महामारी के बीच बॉक्स ऑफिस पर धूम मचाने वाली पहली फिल्मों में से एक थी। लोकेश कनगराज निर्देशित इस फिल्म ने दुनिया भर में बॉक्स ऑफिस पर 223 करोड़ रुपए कमाए। विजय की हालिया रिलीज बीस्ट को नकारात्मक समीक्षा मिली, लेकिन इसने बॉक्स ऑफिस पर बम्पर ओपनिंग ली। हालांकि फिल्म की गति धीमी हो गई और अब तक इसने 10 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है। दुनिया भर में बॉक्स ऑफिस पर 145 करोड़ रुपए है। वही अगर बात करें फिल्म बीगल की OTT रिलीज को लेकर, तो इस फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दिया गया है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है। क्या दर्शकों को पसंद आई थलपति विजय की फिल्म बिगिल? कहां देख सकते हैं इसे फ्री में? फिल्म बिगिल से दर्शकों को काफी उम्मीदें थी, क्योंकि इसमें साउथ के सुपरस्टार और नयनतारा की जोड़ी एक साथ नजर आई। वही फिल्म में विजय को डबल रोल देखने का भी सभी को बेसब्री से इंतजार रहा था, लेकिन जब इसकी स्क्रीनिंग हुई तो इसकी कहानी में फीकापन नजर आया। फिल्म समीक्षकों ने भी इसे मिला जुला रिस्पांस मिला। वही विजय के फैंस भी नाखुश नजर आए। अगर आप बिगिल देखने का प्लान कर रहे हो तो इससे पहले जान लीजिए बिगिल का रिव्यू। बिगल फिल्म के रिलीज के समय इसकी कहानी पर चोरी के आरोप भी लगाए गए थे। तेलुगु फिल्म मेकर नंदी चिन्नी कुमार ने मेकर्स के खिलाफ हैदराबाद कोर्ट में केस भी दर्ज करवाया था। इस पर फैसला आने में काफी टाइम लग गया था और अब तक ये फिल्म काफी सिनेमाघरों में हट भी चुकी थी। हालांकि इसी बीच इस फिल्म की डिजिटल राइट्स अमेज़न प्राइम ने खरीद लिए थे, लेकिन मद्रास हाई कोर्ट ने फिल्म की ऑनलाइन स्ट्रीमिंग पर रोक लगा दी थी। आखिरकार दिसंबर 2019 में हैदराबाद कोर्ट ने दोनों पार्टी के बीच सेटलमेंट करवाया। इस फिल्म में नयनतारा और विजय दूसरी बार एक साथ नजर आए थे।
इससे पहले इन दोनों को साल 2009 में रिलीज हुई फिल्म बिल्लू में एक साथ देखा गया था। इसके अलावा बिगल विजय की करियर की चौथी ऐसी फिल्म थी जिसमें उन्होंने मल्टीपल रोल प्ले किया है। इससे पहले विजय साल 2007 में रिलीज हुई फिल्म अजागिया तमिल मगन में डबल रोल, साल 2014 में रिलीज हुई फिल्म कत्थी में भी डबल रोल और साल 2017 में रिलीज हुई फिल्म मार्शल में ट्रिपल रोल में नजर आ चुके हैं। जिन लोगों ने विजय की फिल्म बिगल और थैरी देखी है उन्होंने जरूर नोटिस किया होगा कि बिगल में कुछ सीन थैरी से कॉपी किया गया है। अब बात करें इस फिल्म के OTT रिलीज को लेकर, तो इस फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इस फिल्म को फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं, वो भी फ्री में अगर आपके पास प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है। थलापति विजय की फिल्म बिगल देखने से पहले जाने यहाँ फिल्म की कहानी से लेकर फिल्म के रिव्यू तक, साथ ही जाने कहाँ देख सकते हैं इसे फ्री में। फिल्म की स्टोरी लाइन की बात करें तो फिल्म में जोसेफ विजय डबल रोल में नजर आए हैं। एक है माइकल जो बिगल के नाम से भी फेमस है और दूसरा किरदार है रायप्पन का जो माइकल के पिता है। माइकल एक फुटबॉल प्लेयर रह चुका है जो बाद में फीमेल टीम का कोच बन जाता है। इसके अलावा रायप्पन एक डॉन है लेकिन दिल का बहुत अच्छा है। फिल्म की कहानी काफी हद तक शाहरुख खान की फिल्म चक दे इंडिया से मिलती जुलती है, जिसमें शाहरुख खान को एक हॉकी प्लेयर दिखाया गया था जिसे टीम से निकाल दिया जाता है और फिर वो बाद में लड़कियों की टीम का कोच बनकर इंडिया को जीत दिलवाता है। कुछ ऐसा ही किरदार बिगल में माइकल का भी है, लेकिन अंतर बस इतना है कि वह हॉकी थी और यह फुटबॉल है। इस फिल्म की रिलीज के बाद साउथ इंडिया में लोगों के बीच काफी अच्छा सोशल इम्पैक्ट देखने को मिला था। साउथ के कई बड़ी फुटबॉल टीम के कोच की तरफ से ये बयान आए थे कि वो लड़कियों को भी फुटबॉल की ट्रेनिंग देना शुरू कर रहे हैं। इस फिल्म को क्रिटिक्स की तरफ से मिक्स रिव्यू मिले थे। इसके अलावा पॉपुलर वेबसाइट IMDb ने भी इस फिल्म को 10 में से 6.8 की रेटिंग दिए थे। बता दे फिल्म की बड़ी लेंथ को लेकर कुछ नेगेटिव रिव्यू भी दिए गए थे क्योंकि इस फिल्म को ड्यूरेशन है 2 घंटे और 59 मिनट, जिसके चलते फिल्म को ऑडियंस की तरफ से भी नेगेटिव रिव्यू का सामना करना पड़ा था। देखा जाए तो प्रेजेंट में 3 घंटे की फिल्म कोई भी नहीं देखना चाहेगा। ये भी फिल्म का एक ही वीक पॉइंट रहा है। इसके अलावा ज्यादा बजट होने की वजह से भी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर नहीं हो पाई, लेकिन अपना बजट निकालने में जरूर कामयाब रही। बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म को हिट घोषित किया गया था। फिल्म के बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के आंकड़े कुछ इस प्रकार है। बिगल मूवी बजट 180 करोड़ रुपए, बिगल मूवी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इंडिया 198 करोड़ रुपए, बिगल मूवी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन वर्ल्ड वाइड 300 करोड़ रुपए। अब बात करें इस फिल्म की OTT रिलीज को लेकर, तो इस फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इस फिल्म को फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर जाकर देख सकते हैं, वो भी फ्री अगर आपके पास प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है।